अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यार बैकग्राउंड म्यूजिक ही नहीं चला, अजीब। हमारे साथ मसले मसाले होते हैं हमेशा। खैर जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? ईद का तीसरा दिन भी अब अपने अख्तिताम पे पहुंच गया फाइनली, और ईद जो है वो अब हो गई ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि सबकी ईद साथ खैरियत से गुजरी होगी, मज़ेदार तरीके से गुजरी होगी, मज़ा आया होगा। लॉन्गेस्ट वीकेंड हो गया, अभी तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना टाइम हो गया छुट्टियों को, और अभी ये लॉन्ग वीकेंड ख़त्म नहीं हुआ कि दोबारा से खुशी की लहर दौड़ गई है आवाम में, ये सुन के कि नेक्स्ट मंडे भी छुट्टी होने वाली है, वो भी फर्स्ट मई की, तो एक और लॉन्ग वीकेंड आएगा। वेल तमाम सुनने वालों को दोबारा से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि सब साथ खैरियत से होंगे। जो लोग बीमार हैं, अल्लाह ताला आपको जल्द अज जल्द सेहत याब करे, और जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे उनकी मगफरत की दुआ ज़रूर कीजिएगा भाई। बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने दोस्त को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? सलाम, अल्लाह का करम है जनाब, आप कैसे हैं? डॉक्टर साहब आप तो ऐसे प्यारे लग रहे हैं ईद के दिनों में, बड़े हसीन लग रहे हैं आप तो यार। बस ईद के चांद बन के आते हैं ना, ईद के ईद इतने खूबसूरत ना लगे कि कोई चुड़ैल आपके चिपक जाए। अरे भाई, वो मेरे दोस्त नहीं तो ताना मारते रहते हैं कि खाली आदमी के पास जब कुछ नहीं चढ़ता तो फिर ऐसी चीजें आती हैं। कैसा गुजरा आपका ईद भाई? अल्लाह का करम है, वही रिश्तेदारों में फैमिली के साथ एक अच्छा मतलब गेट टुगेदर हो रहता है तो वेरी नाइस। और वैसे भी इतना हेक्टिक रमजान गुजरा है सबका, मेरे ख्याल पता भी नहीं चला रमजान गया कहाँ। तो अंडरस्टैंड के वो भाग दौड़ इधर उधर जबरदस्त, और आपके साथ तो वैसे ही आपको अंदाजा ही है कि हम, मैं और आप क्या काम करते रहते, तो हमारी रातें एक तरफ होती हैं, दिन एक तरफ होते हैं। मुझे तो रमज़ान फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत मज़ा आता है, क्योंकि सहरी में उठना नहीं पड़ता ना, हम तो उठे ही होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, जी 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 क्या कह रहे हैं? हमारे लिए रात का स्केड्यूल बेहतरीन होता है, बेस्ट होता है, लेकिन अब जाके ना जरा वो ट्रबलिंग हो रहा है, क्योंकि वो स्लीप साइकिल बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो गया है। दिन में वो नींद मिलती नहीं है, उम्र है जो बढ़ती जा रही है, जवान तो है ही नहीं। तो कब तक उससे निगाह चुराएंगे, कभी कभी हकीकत को सामना फेस करना ही पड़ता है, तो इसलिए जो है ना वो। और फिर रमजान में वो आपको पता है ना, वो इबादतें होती हैं रोज, और अफ्तार के बाद जो हालत होती है, अल्लाह ऐसी नींद आ रही होती है डॉक्टर साहब, मैं क्या बताऊं क्या बताऊं भाई। रमजान में तो मैंने वैसे ही लॉ पास किया था, इफ्तार में किसी का नहीं करूंगा, और इफ्तार के एक घंटे के बाद मुझसे बात करना उससे पहले मत। अच्छा आपका वो वाला सीन है कि मूड ऑफ होता है बिल्कुल। मूड ऑफ नहीं, किसी काम के नहीं होते। हाँ लाश पड़ो, जिंदा लाश। एग्जैक्टली, जिंदा लाश वाला जो फिल्म थी उससे भी ज्यादा जिंदा लाश है हम लोग रमजान। सब आपने मुझे मैसेज किया था उस यूट्यूब पे जो फिल्म रिलीज हुई थी, आपने देखी वो? यार अफसोस की बात है कि मैंने अभी तक देखी। यार ये अफसोस की बात है, देखें बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे तरीके से बनाई है, और टिपिकल वो वाली नहीं है टिपिकल कि जिस तरह होती है ना वो हा टेढ़ी मेढ़ी शक्लें बना के बुरा सा मेकअप करके आ जाते हैं लोग, लेकिन हाँ उस जी हॉरर शो सब वो फिर भी बेहतर होता था। जी हॉरर शो जमाने में 90s में होता था ना, तो बेहतर होता था उसके जमाने में, लेकिन वो बहुत अच्छी गुलाब रानी है, आप जरूर देखिएगा डॉक्टर साहब। आपको मालूम है आपके साथ और मेरे साथ एक चीज अटैच है, हमारा जैसे ही लोग देखते हैं मुंह हिलता हुआ तो वो कहते हैं दूसरा लफ्ज सिर्फ और सिर्फ हॉरर ही होना चाहिए, बस आप हॉरर बोले, बस हॉरर हॉरर बोले, बस आप हॉरर बोले। तो डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि कैसा चल रहा है आपका यूट्यूब चैनल जो आप लाखों करोड़ रुपए कमा रहे, जो मुझे मालूम है आप कितने कमा रहे हैं डॉलर, और आप बिल्कुल मॉडर्स बन के बोलते हैं हम तो कुछ नहीं कमा रहे हो, या मुझे सब पता है आपका, सब मुझे सारी डिटेल्स मालूम है आपकी। बस क्या करें यार, वो इतने बड़े बड़े हवाई जहाज मैंने खरीद के रखे हैं, छुपाना मुश्किल हो गया। हाँ वो हमने सुना था ना, मास ने कहा था कि मैं दो ऑल्टो खरीद लेता हूँ, डॉक्टर साहब दो जहाज खरीद लेते हैं। आज जो है ना हम वो देखें हॉरर स्टोरीज और ये सब तो होगा, लेकिन साथ में ना हम
आज कॉलर्स को भी शामिल करेंगे और हम दोनों बैठ के उनकी कहानी सुनेंगे, कोई सुनाना चाहे अगर हमें, और हम उसके अंदर ना वो निकालेंगे कि यार हॉरर एलिमेंट क्या था, पैरानॉर्मल एलिमेंट क्या था, साइकोलॉजिकल एलिमेंट। आपको क्या लगता है, जो ये जितनी भी आपने, आपको भी ईमेल्स आती हैं, और मुझे ये पक्का पक्का यकीन है कि एक ईमेल, वही ईमेल आपके पास भी आती है, वही ईमेल मेरे पास भी आती है, बस सीसी मुझे में हुआ हुआ होता है और वो हम अंदाज़ा हो चुका होता है। तो आपको क्या लगता है, कितने ऐसे जो ईमेल्स आप पढ़ते हैं, जो वाकयात होते हैं जो लोग भेजते हैं, उसमें साइकोलॉजिकल इफेक्ट कितना होता है या रियलिटी कितनी होती है? मेरा जो अपना अंदाजा है, मतलब आई गेस कर रहा हूँ, ऑब्वियसली हमने कोई रिसर्च तो नहीं की गई, लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि 30-50% लोग जो है ना, वो साइकोलॉजिकल मतलब इशू होगा। रीजन मैं बताऊं, इतना ज्यादा स्ट्रेस आ चुका है लोगों के ऊपर, जिंदा रहने के लिए एक्सपेंसेस बढ़ गए, 10 किस्म के मसाइल हैं। और मतलब आपकी, देखो, एक तो हम हॉरर बता रहे हैं, एक तो रियल लाइफ हॉरर है कि भाई आपके साथ गली मोहल्लों में लूट मार हो रही है, सेफ्टी पैसे सिक्योरिटी प्रॉब्लम बीमारी, नहीं ये है भी एक लोगों के हॉरर। पास, हाँ, जिंदगी जिंदा रहने के पैसे नहीं है। तो वो ऑब्वियसली मेंटल आपकी हेल्थ पे असर करता है, और हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ पे कोई वैसी बात नहीं करता, क्योंकि आप एक टैबू सब्जेक्ट है। तो मैं समझता हूँ कि भाई इस तरह की स्टोरी तुमने अक्सर सुनी होगी कि भाई लोगों को बैठे बैठे अजीब चीजें नजर आ रही होती हैं, जबकि उसी घर में वो सदियों से रह रहे हैं और आज तक कभी नहीं हुआ। तो वो उसका, वो कहते हैं, दूसरा पहलू ये होता है कि या तो उनपे किसी ने जादू कर दिया। अब जादू एक बात है, ऐसी बातें भी होती, लेकिन एक वजह होती है ना, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का तो इंसान। सही। मैंने मेरी आपसे, आपका चैनल बड़ा है मेरा छोटा है, या मेरा बड़ा आपका छोटा है, तो मेरी आपसे हटने लगी, मैंने किसी बाबूजी को पकड़ा, मैंने कहा कुछ ऐसा करो कि इसका चैनल बंद हो जाए। मतलब ये एक जनरल वजह होती है ना कि कोई किसी पे ब्लैक मैजिक करा रहा है। अब जेलिसी किसी फैक्टर के जो होता साथ, है। अब किसी के साथ कोई ऐसा मसला ही ना हो, वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है, उसके साथ अजीब हरकतें शुरू हो जाए, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? तो ऑब्वियसली एक साइकोलॉजिकल वजह भी हो सकती है। मुझे लगता है दूसरा ये कि हम बहुत सारी चीज़ों में, जो हमारे वालिदैन ने या हमारे बड़ों ने हमें कहानियाँ सुनाई होती है, क्योंकि वो हमारे वालिदैन ने सुनाई होती हैं, हम उनको निगेट नहीं कर सकते। और फिर एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि हम उस उम्र में आ जाते हैं जो हमारे वालिदैन ने जिस उम्र में हमें वो कहानी सुनाई थी और वो बचपन से सुनते आ रहे होते, तो वो हमें लगना शुरू होता है कि वो अब हमारे साथ ही हुई थी, और इसी उसी टेंजेंट के साथ, उसी एंथुजियाज्म के साथ जो है ना दूसरों को भी बताते हैं कि यार ये हुआ था, वो पिक्चर पहली नजर आई थी। हालांकि वो उनसे पूछे ना कि सोर्स क्या है, तो पता चलेगा जी वो दादा के भाई के दोस्त के अब्बू ने ये देखा था अपने गांव में कहीं। जी, तो चले 1992 भाई, मेरे पास कहानी आई, साहिवाल, 1982, जेल रोड, अब्बा के मामू ने के साथ ये हुआ। मैं कहा अब्बा के मामू के साथ ये हुआ तो तुमको कैसे पता चला, और तुम हाउ, कैसे कनेक्ट हाँ होगा? लेकिन अब है भाई, अब्बा के मामू के साथ हुआ था, माने कि अब्बा के मामू के साथ हुआ था। तो ये, लेकिन एक ये भी फैक्टर होता है कि भाई कहानी होती क्या है। कहानी कोई एक्चुअल इवेंट होता है जो कि काबले बयान चीज होती है, तो इसलिए तो अगला किसी को सुनाता है। तो इसमें एक ये भी आता है कि नहीं, वाकई हुआ था, थोड़ा सा लोगों ने ताला साल मिर्च मसाला उसमें डाल दिया वो तो और वो चाइनीज चीज। विस्पर भी होता है ना, कि आपने मुझे बताया, मैंने दो चार अल्फाज ऐड किए, फिर मैंने आगे बताए, उसने आगे बताया, वो बढ़ते 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 कहानी चेंज हो जाती है, रहती थोड़ी बहुत वैसी है लेकिन उसके अंदर और चीजें ऐड हो जाती हैं। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि एक होता है बकरा, ठीक है, बकरा, हर एक स्टोरी आपके पास जरूर आएगी कि एक साहब जा रहे होंगे वीराने में से, उनको रास्ते में बकरा नजर आएगा, वो उसको उठा लेंगे कि मैं हाँ जो हूं नेक नियति के साथ इस बकरे को उसके ओनर तक पहुंचाना चाहता हूँ रात के 12 बजे, ठीक हाँ है। और रास्ते उसकी में वो टांगे बकरा लंबी हो लेके जा रहे जाती होते हैं, टांगे लंबी हो जाती है। अब ये कहानी मैं सुन चुका हूँ मोटरसाइकिल पे, गधा गाड़ी पे, पैदल भी, साइकिल पे भी, वीगो पे भी, ये वीगो में डाल दिया। अब हर आदमी जो है उसका मोटिव वही होता है कि मैं रास्ते में जा रहा था, मुझे बकरे का बच्चा है, बकरी का बच्चा नजर आया, मैंने बोला भाई ये बेचारा किसी का खो गया है, मैं उसको ले जाऊं। अब वो बात अलग है कि उसकी नियत में कढ़ाई थी या कढ़ाई और लोगों की दावत थी या नहीं थी, लेकिन हाँ यही वो इस यही चीज थी। को जरूर एक्सप्लेन करता। देखिए डॉक्टर साहब, लेकिन आजकल आप के जमाने में इतनी महंगाई हो गई है,
मैं तो दुआ करता हूँ मुझे ऐसा बकरा मिले जिसकी इतनी लंबी रान हो, मतलब सोचे 200 400 500 फिट की रान हम खा रहे हो, ओए होए ग्रिल करेंगे उसको तो, रोस्ट करें क्या क्या करें। बात मैं तो जा रहा हूँ जंगलों में, ऐसे ऐसे जंगल मुझे बताए भाई जहां पे ये बकरे मिल रहे हैं। और मजे की बात ये, वो जंगल या वो विलेज कभी कोई नहीं बताता कि वो एक्चुअल जगह क्या थी। वो ये जरूर बताएंगे सन क्या था, कौन सी सन में हुआ, कौन से चाचा मामू ताया थे, कौन सी गाड़ी चला रहे थे, वक्त क्या था, लेकिन ये कभी कोई नहीं बताता कि वो गांव कौन सा था। तो ये रीजन क्या है, मतलब देखिए एक तो स्टोरी टेलिंग होती है ना, ये तो हम ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म जो है वो स्टोरी टेलिंग है, पहले म्यूजिक से भी पहले, एक्टिंग से भी पहले, सबसे पहले कहानियां सुनाई गई ना, लोगों ने एक दूसरे को कहानियां सुनाई। और कहानियां क्या थी कि तुम्हें पता है वो जंगल गया तो शेर आ गया और शेर ने अटैक कर दिया और मैं भागना शुरू कर दिया, और भागते भागते मेरी बीवी भी भाग रही, मैं भी भाग रहा हूँ, बीवी थक गई बेचारी और वो साइड में छुप गई, शेर को मैंने पकड़ा और ये करता और हिरन को पकड़ा। तो ये स्टोरी यहाँ से शुरू हुई, शिकार से कहानियां शुरू हुई ना। तो बढ़ते हाँ बढ़ते बढ़ते वो कहानियां जिन्नात, ऑब्वियसली देखिए इस बारे में तो कोई दो राय नहीं है ना कि ये एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, चाहे आप उसको रिलीजियस एंगल से देखें या साइंस की निगाह से देखें, दोनों एंगल से इसकी एग्जिस्टेंस ये नहीं है कि टोटल डिनाइल है। इवन इन साइंस डूबियस, इन साइंस में सवालिया निशान है, लेकिन रिलीजन में तो इसके बारे में साफ साफ लिखा हुआ है, और सिर्फ एक नहीं बाकी तमाम रिलीजन में भी लिखा हुआ है। हाँ अब हम जो है वो ऐसे मकानात में चले जाते हैं, ऐसे घरों में चले जाते हैं, फैक्ट्रीज में चले जाते हैं, हिल स्टेशन में चले जाते हैं जहाँ पे वाकयात होते हैं। इससे पहले जब आबादी बहुत कम थी, जब इंसानों के अंदर मिलना मिलाना इतना नहीं था और जंगलों में लोग रहते थे, रहती जंगल में तो शहर तो क्या होंगे, शहर यही थे, जंगल वंगल ही होते, जंगल में मंगल हुआ तो शहर बन गए। तो उसमें जो एग्जैक्टली है ये कहानियां शुरू हुई थी कि वहां पे फिर जिन्नात वगैरह नजर आए होंगे, ये बकरी का बच्चा उस वक्त शायद दिखा होगा, कोई जानवर वानवर दिखा होगा, लेकिन साला वो बकरी का बच्चा आज तक नजर आ रहा है। ये जंगल कौन से हैं जिसमें दादा आज भी घूम रहे हैं? अच्छा मजे की बात बताता हूँ। अब ये एक कहानी होगी जो कि ओवर टाइम लेट से 17वीं सदी की होगी, लेकिन हाँ जैसे जैसे वो लोगों के सुनते गए वो फैलती चली गई। अब एक आपने बचपन में सुनी होगी स्टोरी, खासकर वो लड़के जो सिगरेट पीते हैं, कि भाई मैं एक ही माचिस से 3 सिगरेटें नहीं जलाएंगे। सुनी सही होगी आपने ये नहीं, नहीं ये लौटने मैं लपड़ों। ये मैंने नहीं सुनी। अरे भाई मैंने तो पता नहीं 1000 4 4 5 5 सिगरेट जला दी, बता दे क्या है ये, बताए मुझे क्या है ये। अब कहानी क्या है कि भाई एक स्कूल के जमाने में, अब वही हमारी पंटर पार्टी ने जलाई तो उसपे जरा पता चला कि भाई 3 नहीं जलेंगी, सिर्फ 2 जलेंगी, क्योंकि बैड लक होता है। मैंने कहा अच्छा भी बैड लक, ये भी कोई स्टोरी होती है कि बैड लक होता है। अब बैड लक वाली कहानी हम भूल गए, मैट्रिक वगैरह उस जमाने कदीम की बातें हो गई। अभी कुछ अरसे पहले मेरे हत्थे चढ़ी एक किताब थी सुपरस्टिशन पे, नाम मुझे अच्छा लगा मैंने उठा ली। अब उसमें अलग अलग किस्म के अंग्रेजों की ज्यादातर स्टोरियां लिखी हुई थी सुपरस्टिशन से रिलेटेड, कि ऐसा होता है वैसा होता है, वही घिसी पिटी जो बातें होती हैं, काली बिल्ली और वगैरह वगैरह। तो उसमें एक वर्ल्ड वॉर वन पे चैप्टर था। सही अब वर्ल्ड वॉर वन के चैप्टर पे मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया तो उसमें जनाब लिखा हुआ था कि जी वर्ल्ड वॉर वन के जमाने में कहा यह जाता था कि अगर, क्योंकि सिगरेट्स वर अ पार्ट ऑफ द रेशन, मतलब फौजियों को और अपने खाने के साथ वो मिलती थी कि ये भी आपने इस्तेमाल करनी है, तो सही है उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि भाई 2 से ज्यादा एक माचिस से सिगरेट नहीं जलाना ठीक है। वर्ल्ड वॉर वन। उसकी रीजन ये थी कि वर्ल्ड वॉर वन जो थी वो खंदकों ट्रेंचेस में हुई थी, आमने सामने एक दूसरे की फौजें थी, खंदकों में बैठी हुई थी, स्नाइपर बैठे हुए थे। अगर तीसरी सिगरेट आपने जलाई ऐसे करके, रोशनी आ जाएगी इतनी रोशनी हो जाएगी कि वो सामने बैठा हुआ स्नाइपर जो है ना आपको गोली मार देगा। इस वजह से ये रूल था कि 2 से ज्यादा नहीं जलानी। और लेकिन ये वो वर्ल्ड वॉर बनी वन क्या हुई थी कहानी? हाँ 2000 बोल रहा हूँ, उन्नीस सौ हाँ 14 16 की कहानी है ये, आज तक स्कूल के बच्चे बातें कर रहे हैं। यहाँ और अब वो बन गई है कि बैड लग है, यहां तक आ गई है बात। बात आ गई कि बैड लक। मजे की बात ये, ब्रिटिश फोर्स वर्सेस जर्मन में यूरोप में फड्डा हो रहा है, आप यहाँ बैठ के ये बातें कर रहे हैं। अब वो भी वर्ल्ड वॉर 1। वर्ड नॉट इवन 2, 1। तो दिस इज हाउ स्टोरी स्प्रेड। लेकिन इसके अंदर देखिए ये तो चले एक आपने वन ऑफ कहानी बता दी ना, लेकिन हम बड़े अरसे से, बड़े अरसे दराज से सुन रहे हैं
जो कहानियाँ ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की हैं, जिसमें सबसे कॉमन है कि वो जिन नज़र आना, शेडोज नज़र आना, या फिर बिल्कुल चीज़ों का मूव करना, या लोग पजेस्ट हो जाना, या फिर चुड़ैल नज़र आना। जो चुड़ैल, पता नहीं, मुझे चुड़ैल वर्ड बड़ा ही पसंद है, बड़ा ज़बरदस्त लगता है वर्ड मुझे उर्दू का। ये उर्दू का है, हिंदी का है, आई डोंट नो, लेकिन बड़ा अच्छा वर्ड लगता है चुड़ैल। आई थिंक तो हिंदी का इनकी वर्ड इनकी 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 एग्जिस्टेंस तो है और इनकी रियलिटी भी है। अब हो सकता है कि 100 कहानियों में एक दो कहानियां जो है, मुझे ये लगता है कि एक दो कहानियां या 10 कहानियां चलें, इधर उधर से लोगों ने लिख के सुन के बताई हो। होता तो है लोगों के साथ, होता तो होगा, आपने भी बहुत सुनी है। चुड़ैल का तो जो अगर आप वर्ड लिखे विकिपीडिया में तो वो बताएगा उसका ओरिजिन हिमालयन माउंटेन्स के साथ अंदर, हाँ, ये हिमालयन माउंटेन्स के अंदर जी औरतें घूमती है पहाड़ों में जो कि यंग मैन को एंटाइस करके बुलाती हैं, वो वीरानों में जंगलों में जाते हैं फिर वो वापस नहीं मिलते या मरे हुए होते हैं या व्हाटएवर, हर एक रीजन का एक अपना वेरिएंट होता है कि वो क्या सही। करते हैं। मजे की बात यह है कि अगर आप चुड़ैल के नाम को भूल जाए और सिर्फ वो जो चीज है ना, एक आदमी है, कोई एक ह्यूमनॉइड है जिसके पैर उल्टे हैं, तो उसकी एग्जिस्टेंस आपको इंडोनेशिया से लेके ब्राजील तक मिलती है, ठीक सब जगह मिलती है, सब जगह मिलती है। जो कि ऑड सी बात है कि अगला बोलेगा जी ये चलो हमारा रीजनल आइटम है ना ये, लेकिन ये उल्टे पैर वाला आइटम वो अफ्रीका तक मिल रहा है और इंडोनेशिया में तो शहर का नाम ही पिचल पैरी या चुड़ैल है, एक पॉन्टियाना नाम का शहर है। उस शहर का जो फाउंडेशन था वो ये था कि जिस जमाने में वो उस जगह पे लोग आए थे तो उनको पिछल पैरियां वहां मिली थी जिसकी वजह से उन्होंने जंगलात उस इलाके के जला दिए थे, पॉन्टियाना का नाम भी जगह है, और उधर से उस शहर का नाम ही पिछल पैरी। तो वाह, इतनी बड़ी मतलब एक शहर का नाम आपने कराची जिस तरह रखा हुआ है, आपने बोला कि इसके पीछे माई कोलाची व्हाटएवर था, तो उन्होंने अपने शहर का नाम ही पिछल पैरी रखा हुआ यार, तो कुछ तो और इस तरह हकीकत के बहुत होगी। सारे शहर हैं, बहुत सारी हिस्ट्री मौजूद है। यूरोप में बहुत ऐसे ऐसी कहानियां हैं, ये ऐसे ऐसे शहर हैं जहाँ पे विचेस को जलाया गया। खैर, बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब जो है ना, वो हुआ ये है कि कम से कम भी नहीं तो मैंने कोई 1,000-2,000 जो है ना, वो गन निकलती हुई देखनी है लोगों के जेबों में से। किसी ने गन निकाली हुई है, किसी ने तलवार निकाली हुई है, और वो कह रहे हैं कि ये दोनों बैठ के क्या बकवास कर रहे हैं, ये हॉरर स्टोरी सुनाए ना भाई, ये क्या हमें क्या, ये जिन्नो चुड़ैल का शहर का नाम, और ये क्या हमें क्या भाई, हमें तो हॉरर स्टोरी सुनाए ना भाई। तो डॉक्टर साहब, मैंने आपसे भी शुरू करेंगे, हमारे पास भी कुछ हॉरर स्टोरीज हैं जो कि लोगों ने भेजी हुई है। लेकिन इससे पहले, जितने भी लोग अभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर आप लोग हमारी स्ट्रीम ज्वाइन करना चाहते हैं और डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं, कोई भी आपको ईद मुबारक कहना है या ईदी लेनी है, डॉक्टर साहब के पास बहुत दौलत है, मुझे आज पता चल गया। मैंने और फिर इनसे पूछा, इन्होंने बताया कि आज मेरे पास इतने पैसे जमा हुए, इन्होंने इशारा भी बताया था, इतने इतनी बड़ी गड्डी जमा हुई है, और ये कह रहे हैं कि मेरा आज बहुत मूड है ईदी जब देने का, बांटने का भाई, उड़ाएंगे ये ईद यूं करके। तो अगर आप लोग हमारी स्ट्रीम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये लिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, यूट्यूब चैट पे टॉप पे पिंड हुआ हुआ है, इस पर क्लिक करके आप लोग हमारी स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से भी बात कर सकते हैं, और अपने वाकयात भी अगर सुनाना चाहते हैं तो सुना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग ईमेल करना चाहते हैं, तो यू कैन ऑलवेज सेंड योर ईमेल official.minhajaliaskari@gmail.com पे। एंड थर्ड इज द व्हाट्सएप नंबर 03111577846, ये वो नंबर है जहाँ पे आप लोग अपने वाकयात हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। खुदा के वास्ते इस पे कॉले मत करेगा। अब देखिएगा डॉक्टर साहब, मैंने बोला ना कॉल मत करेगा, अभी करेंगे लोग। सही है, अभी करेंगे, इस पे कॉल मत कीजिएगा, और सिर्फ अपनी हाँ ईमेल्स भेज दीजिएगा, कहानियाँ, और अगर चाहें तो रिकॉर्डेड वो भी भेज सकते हैं। खैर डॉक्टर साहब, कोई ऐसी हमारी तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कितने 8-9 महीने बाद मुलाकात इस पे हो रही है, या तकरीबन इससे भी साल ज़्यादा, के साल बाद हो रही है बाद ना, और बीच में एक मुलाकात हुई थी, आप हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए थे। जी इस 1 सालों में आपने कम से कम भी नहीं तो आप तकरीबन महीने की 4-5 एपिसोड्स अपलोड करते हैं, सही है, जी और 4-5 एपिसोड्स में कम से कम भी नहीं तो 100, हर उसमें आपकी 5-6 कहानियां होती हैं, यस है ना। तो कोई एक ऐसी कहानी है जो आपको याद रह गई हो आज, कि यार ये इस 1 साल में जो ना, ये कहानी जो मैंने जब पढ़ी और मैंने नरेट की,
तो उसका अफेक्ट भी मेरे अंदर रहा और सुनने में भी मुझे मजा आया। मजा क्या आया, मतलब डर लगा, खौफ लगा। यार मसला मेरा और आपका एक ये है कि हम लोग इस कंटेंट को इतना करते हैं, मैं नहीं समझता कि हम अपने खौफ ज्यादा होते हैं। ये वो जो इफेक्ट थी ना जब हमने काम शुरू किया था, वो तो काम ही खत्म हो गया। अब हम ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि अच्छा ऐसा भी हुआ था, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अब एक खैर इसको वही वाली साइकोलॉजिकल उस पर हम बात कर रहे थे तो उसी पे एक मैं बात करता हूँ। ये तो खैर जानने वालों की बात है। ये एक साहब थे हमारे जानने वाले, और आपको पता है हर किसी की अपनी आदतें होती हैं। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि वो आदतें अपनी बदल लें मेरे कहने पे या वट एवर, जो उनकी मर्जी उनकी जिंदगी। लेकिन उनको जो था वो ड्रिंक करने का बहुत शौक था, और वो मतलब जब से उनके जेब में पैसा आया तो वो ये काम कर रहे थे। अब ऑब्वियसली हमारे कल्चर की ये चीज नहीं है, तो हम थोड़ा सा जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं नशे को या ऐसी चीजों को लेकर। याद भी रहती तो अब सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि ये साहब जो थे वो फैमिली मैन है, माशाल्लाह लोग हैं, सब कुछ है, बीवी बच्चे व्हाटएवर। तो अब ये इस तरह के काम ऑब्वियसली आप घर पे तो नहीं करोगे, आप बाहर निकल निकल के वीरानों में जाके कहीं जगहों पे जाके बैठे हुए हैं, या कोई जगह बनी हुई होंगी, या दोस्त ऐसे होंगे जहाँ पे ये करते होंगे तो वो जाके बैठते। अब वो जनाबे आली वो उन्होंने ये काम ड्रिंक वगैरह करना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता करके। अब उन्होंने कंप्लेन करना शुरू की उसके बाद कि मुझे एक औरत जो है वो नजर आने शुरू की है। अब दोस्तों ने मजाक उड़ाया ऑब्वियसली कि भाई तू नशे में होता है तो तुझे पता नहीं क्या क्या नजर आएगा, तुम एक औरत की बात करते हो। तो अब इन साहब ने मतलब हम जान एक तरीके से जानने वाली है, तो अब बात की कि भाई किसी जगह पे जाके इस नशे को से छुड़वा लो और ये सारे काम छोड़ दो। रिहैब वगैरह। लेकिन हाँ रिहैब वगैरह तो, लेकिन उनका फिर भी वही पॉइंट ऑफ व्यू के नहीं नहीं मुझे मतलब कंट्रोल है मुझे उसके ऊपर और ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वक्त के साथ साथ वो थोड़े से हमें साइकोटिक लगने लगे, क्योंकि वो यही बातें करते हैं कि मैं रात में फलानी जगह, मिसाल है कि सी व्यू पे जाके मैंने गाड़ी लगाई और वहां पे मैं जो था वो अपना साथ लेके गया हुआ था और मैं सिर्फ ठंडी हवा में पी रहा था। तो फिर मैंने देखा कि वो एक वो औरत जो है वो चलती हुई आई और समंदर की तरफ से मेरे पास आई और खड़े होके मुझे देख रही है, मुस्कुरा रही है, और उसकी बाकायदा डिस्क्रिप्शंस देने लग गया। शुरू में तो सिर्फ औरत औरत करता था, फिर कहने लग गया कि उसकी खुले हुए बाल हैं और ऐसे उसकी शक्ल है और बहुत फीकी किस्म की उसकी जो रंगत है, गोरी है लेकिन बड़ी फीकी सी शक्ल है। और बातें करता रहा था, हम लोग समझते थे नफसियाती हो गया है, और इसको बार बार कहते थे कि भाई तुम्हारे बच्चे हैं तुम उस बारे में ख्याल करो, तुम इस किस लाइन में पढ़ रहे हो। मतलब इवेंचुअली क्या हुआ कि ये साहब की हमें खबर आई कि ये बहरिया टाउन जा रहे थे, तो शहर से बाहर मतलब सुपर हाईवे पे आए हुए थे, तो इनका एक्सीडेंट हो गया और शदीद किस्म की इनका मतलब इंजरीज आई, टांगे वांगे टूट गई उस तरह का। हम गए अस्पताल इनसे मिलने मिलाने, तो ये अजीब खौफजदा हालत, और बोल रहे हैं कि जी कुछ पे हमला किया था उसने वगैरह वगैरह। अब हम उनको समझा रहे हैं, अब जाहिर सी बात है सिचुएशन ऐसी है कि हॉस्पिटलाइज्ड हैं तो सबको चट्टा बट्टा खुल गया कि ये इनके ब्लड में अल्कोहल वगैरह सारी चीजें। तो वो जो एक सिंपथी की बात होती है कि चलिए एक्सीडेंट हुआ वो खत्म हो गया, और उल्टा ब्लेम गेम शुरू हो गया, तुमने ये किया है वो किया। अब वो आदमी हमसे कसमें खा रहा है दोस्तों से कि नहीं यार मैं उस वक्त इन्फ्लुएंस में नहीं था, लेकिन हम ऑब्वियसली हम कैसे बिलीव कर लें ऐसी बात। देखा ही आपने उनको हमेशा इन्फ्लुएंस दिया है। जी अब वो वक्त के साथ मजीद उसका जो हालत है वो खराब, बंदा बिल्कुल सूख के काटा, क्योंकि अब उसकी टांगे जो इतनी दर्द की बात है टूटी नहीं है, वो हिल जुल मुश्किल हो रही है घर पे एक व्हील चेयर में, तो उससे जब मिलने जाओ तो वो बिल्कुल सूख के काटा हुआ, बस पतला दुबला डरा हुआ, बार बार जो है वो बातें करे आ रहा है कि भाई ये है वो है फला। आखिरकार एक दिन मैं मौलवी किस्म के हमारे दोस्त है वो उनके घर गए हुए थे, तो उसके सामने उसने मतलब खौफ ज्यादा हो कि ये हाल हो गया, उसने कुर्सी से अपने आप को गिरा लिया कि वो चौखट पे कर दिया। अब उन साहब ने उनको उठाया और फिर हम रिहैब की तरफ लेके गए, तो रिहैब वालों ने कहा कि इस वक्त तो ये इन्फ्लुएंस में नहीं है और इसको हम शायद विड्रॉल की वजह से ये हो रहा है, और हमने एक जगह डाल दिया। एक दो महीने के बाद रिहैब वालों ने खुद कहा कि ये बंदा रिकवर हो चुका है, और क्योंकि इतनी मेडिकल इमरजेंसीज वगैरह की वजह से वैसे ही ये सब्सटेंस अब्यूज नहीं कर सका तो ये अब ठीक है।
लेकिन उस आदमी का वही हाल, ये औरत है औरत है औरत है औरत है, ये है उसकी हाल, ये है उसका प्लान। आखिरकार उन मौलवी साहब ने उनसे दो टोक बात की कि भाई तुम को क्या नजर आता है, उसने पूरी डिस्कशन की कि ऐसे उसके बाल हैं, ऐसे कपड़े पहने हुए हैं और ये हालात है। उसको पता नहीं क्या छठी हिस काम आई, उसके कोई मुफ्ती साहब थे बड़े, उसने कहा कि मैं तुम्हें इनके पास लेके चलता हूँ। वो जो उनको वो ले गए मौलवी दोस्त है आपके। मौलवी दोस्त, वो उस बंदे को, हमें नहीं पता क्योंकि हम तो बिलीव ही नहीं कर रहे थे, हम कहते ये झूठ बोल रहा है पागल हो गया, और हमसे ये कहते थे कि बस किसी तरह इंसान बन जाए, इसके तीन चार बच्चे हैं, मतलब तीन बच्चे हैं। तो वो मतलब ऑब्वियसली हमारे सर पे तो ये है कि यार फैमिली के साथ ये आदमी कर क्या रहा है अपनी जिंदगी, नौकरी खत्म हो गई, इंजरी में पड़ा हुआ है, टांगे बर्बाद कर ली अपनी, ये क्या है। अब वो मुफ्ती साहब के पास लेके गए, मुफ्ती साहब से जब बात हुई तो मुफ्ती साहब ने छूट के ही कहा कि पहले तो ये आदमी ने अपने आप को जो है वो अब सब्सटेंस अब्यूज कर करके नापाक रखा पूरी, मतलब अब उस हालत में एकदम जो ड्रंक, आपको नहीं पता कि आप कहीं खड़े होके धार मारने लग गए यूरिनेट कर अपने देते खुद पर। हैं। कहता है उसी दौरानिए में इनको कुछ अटैच हो गया, ये समंदर के पास या कहीं झाड़ियां टाइप जगह पे थे और कुछ वहां इन्होंने किया जिसके रिजल्ट में कोई चीज इनके साथ अटैच हो गई है, और वो चीज जो है वो बस इनसे इन्फेचुएटेड है, मतलब ऑब्सेस्ड है, वो छोड़ नहीं रही है उसको, और इनको जो है वो पता नहीं मे बी बिकॉज ऑफ अब्यूज ऑफ सब्सटेंस अब्यूज के क्या वजह वो उसको अब दिखती है, जबकि पहले शुरू शुरू में वो उसके साथ साथ होती थी लेकिन उसको दिखती नहीं थी इतनी फ्रीक्वेंट, अब उसको मुस्तकिल दिख रही है। तो उन साहब को बकायदा फिर एक हफ्ता तो नहीं होता, 10 दिन कह ले, 10 दिन मदरसे में रखवाना पड़ा ताकि वो चीज से उनका छुटकारा हो। तो कहने का मकसद ये था ये स्टोरी कि कभी कभार हम एक्चुअली सोच रहे होते हैं कि अगला नफ्सियाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता नहीं देखिए, असल में उनका। होता ये है कि हमारे यहाँ ना, वैसे जब हम क्योंकि हमारे माशरे में वैसे तो सब आपको पता है कि बहुत हमारे यहाँ स्पेशली कराची में आपको स्टोर्स मिलेंगे जहाँ पे आपको लिकर बड़ी आसानी से मिल जाती है और लोग बड़ा उसका यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी सोसाइटी में ये कॉमन नहीं है। सही है, जैसे आप वेस्ट में जाते हैं तो आपको पता है कि आप वहाँ सब पीते हैं और सबको अपना पता है कि जैसे हम शाम के टाइम पे जाके चाय पीते हैं, वो लोग वहाँ पे जाके बार में बैठते हैं, वो एक दो अपनी बियर पीते हैं और फिर अपने काम में चले जाते हैं। हमें ये लगता है कि किसी ने अगर एक बियर पी भी होगी बस भैया, या एक शराब थोड़ा सा बैग पिया होगा बस, वो तो अब आउट ही हो गया होगा और उसने तो पता नहीं क्या कर लेना है और वो मार देगा और ये कर देगा, उसे गाड़ी नहीं चलेगी, फलाना नहीं होगा। तो हमारे तो एक ज़रा प्री अजम्पशंस भी चल रही होती है ना कुछ चीज़ों की, क्योंकि हमने उसको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है उसकी, हम उस कल्चर से नहीं गुजरे हुए, तो हम पहले ही सोच लेते हैं कि यार इसने चूंकि ये शराब पी हुई है तो अब जो भी ये बात करेगा वो सारा नशे में ही करेगा, धुत होगा, इसका कोई सर पैर नहीं होगा, लॉजिक नहीं होगी। हालांकि मैं आपको बताऊं, बहुत सारे हमारे भी ऐसे दोस्त हैं जो बहुत ज़्यादा इस तरह के इंटॉक्सिकेटेड रहते हैं या कुछ भी कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे दोस्त हैं, उनके साथ एग्जैक्टली ये हुआ था, उनके साथ ये होना शुरू हुआ था कि वो अपने वो उनको ना वो वीट के आदी थे, तो वो वीट बहुत पीता था, बहुत ज़्यादा पीता था। वीट तो चले मैंने अच्छा नाम ले लिया, वो जो हमारे यहाँ जो चर्स और वो सब होती है वो पहले तो वीट, तो अब ये कॉमन हुआ है रिसेंट टाइम में, लेकिन वो चर्स बहुत पीते थे। तो वो वाले हो गए थे कि वो सुबह उठेंगे तो वो वर्किंग कंडीशन में जो है ना वो आएंगे जॉइंट्स पीने के बाद, वो तीन जॉइंट पियेंगे, फिर उनका दिमाग चलेगा, फिर वो नाश्ता करेंगे, फिर वो पियेंगे, फिर उसके बाद वो गाड़ी चलाएंगे, फिर वो दफ्तर जाने से पहले दो पियेंगे, वो इस तरह इस लेवल पे हो गया था। तो फिर एक दिन हुआ ये कि उनके ना किसी एक फैमिली मेम्बर की मेरे पास कॉल आई, मैंने कहा यार ये मिन्हाज ये इसका क्या सीन चल रहा है, मैंने कहा क्या सीन चल रहा है। अच्छा, हमें तो पता था हम दोस्त हैं, अब मुझे मालूम है कि वो जो जो रिलेटिव हैं उन्होंने किस एंगल में ये पूछा है, किस वजह से पूछ रहे हैं, अब बता तो सकते नहीं है। उन्होंने कहा ये जो है ना ये कुछ ऑफ लग रहा है। मैं क्या ऑफ लग रहा है, कह रहे ये रात भर बैठ के ना इसके कमरे के बाहर मैं जब गई तो मैंने इसको बातें करते हुए देखा है, और ये बातें कर रहे हैं बातें कर रहे हैं बातें कर रहे हैं। तो कह रहे मैंने दो तीन दफ़ा दरवाज़ा खोल के देखा, जैसे दरवाज़ा खोलूँ तो ये बैठा हुआ कोई गेम खेल रहा हो या मोबाइल पर बैठा हो, और मैं इससे पूछूँ किससे बातें कर रहे हो,
कह रहा किसी से बात ही नहीं कर रहा, कहते हैं दरवाज़ा बंद करके वापस जाऊँ, थोड़ी देर के बाद दोबारा किचन में विचन में जाऊँ तो फिर आवाज़ है बातें करने की। उसके बाद कहते हैं कि फिर हुआ ये कि ये जो है ना ये बात डिस्क्लोज हो गई कि अच्छा ये असल में ये चर्स पी रहे हैं, ये वीड पी रहे हैं, ये इस तरह के कैनबीज वाले इसका इस्तेमाल हो रहा है। चलें वो बड़ी मुश्किलों से उन्होंने उसको अपने एक्सेप्ट किया, आपको पता है फैमिली को पता चल जाए तो कयामत टूट जाती है। उसके बाद होना ये शुरू हुआ कि कहते हैं कि एक दिन आवाज़ें आना शुरू हुई कमरे में, धाड़ 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 चीज़ें टूट रही हैं और लड़ाई की आवाज़ आ रही है। तो कहते हैं हमने दरवाज़ा जो है ना खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा बंद, दरवाजे को खोल रहे हैं, आवाज़ें दे रहे हैं भाई खोलो दरवाज़ा खोलो, अंदर से आवाज़ें आ रही मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, और ये और चीज़ें टूट रही हैं और ये हो रहा है वो। अब ये परेशान कि यार ये हो क्या रहा है अंदर भाई। इन्होंने जाके दरवाज़ा जो तोड़ा तो देखते हैं कि वो भाई साहब जो हैं वो बैल्कनी में आधे लटके हुए हैं और वो किसी को मार रहे हैं, और लिटरली मार रहे हैं वो, सही है, और हाथ पैर खूनम खून हुआ हुआ, कमरे की हालत जो है वो हर चीज़ टूटी हुई, बिस्तर टूटा हुआ, अलमारी टूटी हुई, साइड टेबलें टूटी हुई। उसको जाके उन्होंने पकड़ा है, पकड़ के किसी तरीके से उन्होंने वापस उस पर लेके आए हैं अपने लाउंज में, उस पर बिठाया, पानी वानी फेंका, वो थोड़ी देर में उसको होश होश आया तो उससे पूछा कि भाई हुआ क्या। फिर उसने बताना शुरू किया कि यार मुझे होता ही है कि मुझे शैतान नजर आता है। कहते हैं शैतान नजर आता है कि भाई यार क्या बात क्या बातें कर रहे हो, शैतान नजर आता है क्या, कहाँ से न... कह रहे हैं ऐसा ये होने लगा था कि मैं, उससे फिर क्लियरली बताना शुरू किया कि मैं जब ये स्मोक अप करना शुरू किया तो पहले तो मुझे ये लगता था कि मेरा शायद वो साइकोलॉजिकल मसला है, क्या स्मोक अप करने के बाद यूजली लोग जो होते हैं वो बिल्कुल ढीले हो जाते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं और आप अपने इमेजिनरी दुनिया में भी बहुत चले जाते हैं। तो कहते हैं पहले मुझे ये लगा कि मैं जो हूँ ना इस नशे की वजह से मेरे साथ हो रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि फिर होने ये लगा कि अब रात को मैं जो है, अब हम सबको ही मालूम है कि चर्स का वो वाला इफेक्ट नहीं होता जो शराब का रहता है। चर्स का ये कि आप सो गए, अब इट्स गॉन, आधे एक घंटे के अंदर इट्स गॉन। सो इसका कोई वे नहीं है कि वो कोई बैड हैंग ओवर हो रहा हो और ये हो रहा हो और सुबह भी हो रहा हो फलाना भी हो रहा हो। कहते हैं तो मैं रात को जब उठता तो मुझे अपने उसी बैल्कनी के दरवाज़ा खुला हुआ होता और दरवाजे के बाहर ना एक मुझे औरत नज़र आती जो बस झांक रही होती यूं घर की देख। तो कह रहे पहले मुझे लगा कि कहीं ये कौन है, चोर है कौन है। कहते मैं डर गया पहले, उठ के भागा, आवाज़ आवाज़ी थी, दरवाज़ा खोल के चेक किया पूरा तो कोई भी नहीं। कहते मुझे लगा कि शायद मैंने वो बड़ा कोई हैवी स्टफ़ आया हुआ भाई, बड़ा ही ख़तरनाक, अजमल भाई ने बड़ा ही कोई ज़बरदस्त खालिस स्टफ़ दे दिया ये तो। खैर उसके बाद होने शुरू हुआ कि वो कहते हैं कि फिर मुझे रात को, और होता क्या है, ये कहता है कि रात को ये सिलसिला होता, जब मैं रात को सोऊं उठूं बीच में रात में पानी वानी पीने के लिए वॉशरूम जाने के लिए, तो कह रहे हैं कि मुझे कमरे के किसी कॉर्नर पे वो लड़की बैठी हुई नजर आए, कभी छत के कॉर्नर पे वो जो आपके कमरे की छत होती है उस पर लटकी हुई नजर आए, पंखे पे लटकी हुई नजर आए। और फिर वो कहते हैं कि एक फिर ये होना शुरू हो कि मैंने उससे ना वो एक पॉइंट है कि वो खौफ खत्म हो गया, क्योंकि आप इतना देख चुके हैं अब खौफ ही खत्म हो गया। तो उससे कहते हैं मैंने बातें करना शुरू कर दी, और कहते हैं कि उसने रिप्लाई देना शुरू कर दी, और वो कहने लगी कि मुझे तुम पसंद आए, तुम यहाँ पे ये बैठे हुए थे और उधर से गुजर रही थी, मैं इधर से गुजर रही थी, ये दरख्त है, मैं इधर रहती थी और मैंने तुम्हें देखा और तुम मुझे अच्छे लग गए, मैं तुम्हें देख, जो आपको पता है वो टिपिकल बातें। तो ये जो कॉन्वर्जेशन होती थी ना, ये वो जो फैमिली मेम्बर जिसने मुझे कॉल की थी ये वो सुनता था, तो उसने मुझे बताया कि यार ये सही कह रहा है, क्योंकि जब मैं कॉन्वर्जेशन सुनता था इसकी बाहर खड़े होके तो यही हो रही होती थी कि ऐसा लग रहा होता था कि मुकालमा हो रहा है, डिबेट मतलब डायलॉग्स हो रहे हैं कि अच्छा तुम कैसी हो, मैं वैसा हूँ, ये इस तरह की। फिर वो कहता है कि होना ये शुरू हुआ कि यही लड़की जो है इसने जो ना अपना वो वाला रूप लाना शुरू किया कि आप तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी, मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगी। तो कहते हैं मुझे ज़रा वो होश आया कि यार ये क्या हो क्या रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, ये क्या हो रहा है। कोशिश की बड़ी बताने की फैमिली मेंबर्स को, दोस्तों को, लेकिन आपको पता है कोई दोस्त आपको आपको बताया कि डॉक्टर साहब मुझे तो एक लड़की नज़र आती है, आप क्या सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा आपका, अरे वाह दादा तू तो बड़ा कोई हीरो चल रहा है, है ना, हम तो मजाक बनाना शुरू कर देंगे। हमारे सोसाइटी में ये बड़ा कॉमन है, माँ बाप को बताएंगे तो माँ बाप तो उसी पे सवाल उठा लेंगे, लड़की कमरे में, तेरा ही कैरेक्टर ढीला है मेरे बेटे। तो उसने कहा मतलब तो ये उसने बेचारे ने कोशिश की लेकिन वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। कहते हैं फिर
थोड़े दिन जब ये वाकया हुआ, मार कुटाई वाला, दरवाजा टूट गया, अलमारी टूटी हुई, तो कहते हैं उस रात क्या हुआ, कहते हैं कि मैं अपना उस दिन, वो कहते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ था, मैं बिल्कुल सुकून से बैठा हुआ म्यूजिक व्यूजिक सुन रहा, तो अचानक से कहते हैं कि मेरे नजरों के सामने वो दरवाजा जो है ना, जो वही एक दरवाजा था जहां से वो एंटर होती थी, वो बैल्कनी का दरवाजा था और उसके बाहर दरख्त था, और जैसे होता है हमारे यहाँ, कहते हैं वो दरवाजा खुला है और मैं देख रहा हूँ क्या ये दरवाजा खुला है, तो कह रहा है कि शायद हवा की वजह से खुल गया हो, ये हुआ बंद नहीं हुआ होगा सही तरीके से, जो भी अटरम पटरम, कहते थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि वही औरत जो है ना वो खड़ी हुई है और वो मुझे इशारे कर रही कि अब मैं तुम्हें, आज तुम्हें लेके जाऊंगी अपने साथ, और कह रहे कि मैं कह रहा हूँ कि भाई क्यों लेके जाओगी, मैं क्यों जाऊंगा तुम्हारे साथ, क्या क्या है, तुम जाओ यहाँ से, बड़े वैसे कैजुअल होकर बात, कहते कि इस दौरान वो कहती है कि मैं आज अपने साथ किसी और को भी लाई हूँ और वो तुम्हें लेके जाएगा, और फिर वो जो भी मखलूक थी वो खातून गई हैं, वो कहते हैं कि खातून को मैंने जाते हुए देखा है दरख्त के अंदर, और वो साहब आए हैं, वो जो भी साहब थे, और कहते हैं कि वो जल्लाद जो हमने बचपन में सुने थे ना जल्लाद, ये बड़े बड़े दांत और बड़ी बड़ी आंखें और आंखों से खून निकल रहा, और मतलब शक्ल देख के कराहियत आ रही, कह रहा वो वैसा, और वो कह रहे कि मैं अब तुम्हें लेके जाऊंगा, अब तुम हमारे साथ चलो, और वो कह रहे उसने जो ना खींचना शुरू किया, वो खींच रहा, वो कह रहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई हटो यहाँ से, क्या कर रहे हो, मैं अपने आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ ना निकले बाहर, मैं किसी भाई कज़न अम्मी अबू बीवी बच्चों को बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी को आवाज़ नहीं जा रही, यहाँ पे वो चीखे जा रहा है, वहाँ पे वो जो बंदा है वो खींच रहा है उसको बैल्कनी की तरफ, कह रहा है फिर पता नहीं क्या हुआ मेरे अंदर, कौन सी जान आई, क्या मैंने सोचा, कह रहे मैंने बस वो अल्लाह का नाम लिया और मैंने मारना शुरू किया है, और मुझे ये लग रहा है कि बस मैं अब उसको मार रहा हूँ, और कह रहे कि मैं मारता क्या, और मैं लिटरली उसको देख रहा हूँ, और मैं कह रहे कि मैं जो पंच मार रहा हूँ या किक्स मार रहा हूँ वो उसको लग रही है, मैं उसकी वो जो बॉडी है उसको फील कर रहा हूँ, उस फ्लैश को फील कर रहा हूँ, और जो वो फैमिली आई जो जिन्होंने दरवाजा तोड़ के वो सब कुछ देखा, वो कहते हैं वहां पे कोई भी नहीं था, और ये कहते हैं कि नहीं मैं था वहां पे, और वो बंदा मुझे जो है उसने पूरा बैलकनी में खींचा हुआ था, मैं अपने आप को, और वो लिटरली एक पैर उसका बैल्कनी की दीवार की उस तरफ था जहाँ पे खाई थी, एक पैर बैल्कनी में था, और वो कह रहे कि मैं लटका हुआ था, और इस दौरान तक वो फैमिली आई, उसने मुझे उठाया बचाया और फिर लेके गया, उसके बाद ये सारे जब वाकया उसने बताया तो वो फिर आमिल वामिल को इन्वॉल्व किया गया, पाकी ना पाकी ये सब चीज़ें हुई, आज भी वो कहता है कि यार मुझे कभी कभी जो है ना वो औरत दिखती है, कभी मैं किसी किसी ऑफिस की से रात को गुजर रहा होता हूँ तो किसी सिग्नल पे मुझे नजर आ जाती है, कभी घर के गेट पे नजर आ जाती है, कभी छत पे नजर आ जाती है, कभी कहीं नजर आ जाती है। हमने जब ये सुना तो हमने भी यही कहा कि यार बेटा तुम कोई ए लेवल का, कोई नेक्स्ट लेवल का तुम स्टफ पी रहे थे, तुम्हारे दिमाग पे चढ़ गया, कहते नहीं यार ऐसा नहीं है, और हमें भी मालूम है क्या वो, क्योंकि वो क्यों झूठ बोलेगा, क्या झूठ बोलेगा, मतलब कोई ऐसी ड्रग्स भी नहीं है कि जिससे हेलुसिनेशन होती हो, होती ना कि केमिकल्स होते हैं जिससे आप हेलुसिनेट करते हैं, वो बहुत सारी ड्रग्स हैं, ये तो वो हेलुसिनेशन वाली ड्रग्स है ही नहीं, तो हमारे ये यहाँ तो ये है। इंटॉक्सिकेटेड स्टोरीज भी होती हैं, क्योंकि आप इंटॉक्सिकेटेड होते हैं और फिर आपके साथ कुछ होता है तो आप बता भी नहीं पा रहे होते, क्योंकि वो कहानी में सब जब लोग इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते तो पता चल जाएगा कि अरे मैं तो पिया हुआ था या मैंने ये किया हुआ था, इसकी वजह से तो वो फौरन रहता है। खैर डॉक्टर साहब, मैंने और आपने बहुत ज़्यादा टाइम लेना शुरू कर दिया, लोग जो है ना मौजूद हैं अभी, ज़रा लोगों को शामिल करते हैं और देखते हैं कि लोगों के साथ क्या वाकयात हुए। सही डॉक्टर साहब, सत्तार साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, अस्सलाम वालेकुम सत्तार अहमद, अलैकुम। सत्तार साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही, सत्तार साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही, सत्तार साहब ये ख्याल है उनके हैंड फ्री लगा रहे हो उसमें उनको। हेलो, हेलो, अस्सलाम सलाम वालेकुम सलाम मिनहाज साहब, हम दोनों आपके बहुत बड़े फैन हैं, मैं अब्दुल वालेकुम। सत्तार, ये थैंक जुहेब भाई, हम दोनों आपको जो है काम यू। पे सुनते हैं जी तो कितने से ज्वाइन किया है आपने हमें? हमने कनाडा मिसेस आगा से ज्वाइन किया है। अरे अरे वाह, वाह बहुत भाई साहब, बढ़िया, हमारे हमारे साथ साथ डॉक्टर डॉक्टर सोलंकी सोलंकी भी भी मौजूद मौजूद हैं। हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अस्सलाम सोलंकी, बिग वालेकुम जी। फैन, बिग फैन। मैं तो मिनाज भाई को सुनता हूँ ड्राइव करते हुए, मेरी 2 घंटे की ड्राइव है तो इनका शो चलता रहता है। हाँ, और मैं पास में ही रहता हूँ, ये भाई साहब घर छोड़ रहे हैं,
अच्छा तो आप अच्छा तो इनको आप मिस इनको मिस कराने में कराने आए में हैं। आए आज? नहीं, वैसे ही घर छोड़, हाँ सामान अच्छा वगैरह। जी, ये ये बताइए कि आप लोग आप साथ लोग कभी साथ कोई कभी कोई हुआ है हुआ वाकया? क्या? मेरे साथ तो काफी हुए हैं, ये भाई ने कॉल की, इनका पता नहीं है मुझे। हाँ मेरे साथ वैसे हुआ था, इधर एक ये इधर ही कहीं हुआ था, ये मिल्क्रीक में ना। तो अच्छा ये हुआ क्या था कि रात के वक्त था जब मैं अंडरग्रेड में था, तो पता मैं इधर ही था उस वक्त, मैं टोरंटो में पढ़ रहा था। तो मतलब यहाँ पे वो जानवर वगैरह होते रहते हैं, मतलब मैं भी खुद एक वाइल्ड लाइफ एंथूजियस्ट हूँ। तो यहाँ पे एक बार मुझे वो बस स्टॉप के अंदर एक ऐसी, एक कयोटी भी नहीं था, लोमड़ी भी नहीं थी, लेकिन एक मतलब अजीब सी कोई चीज थी, बहुत बड़ा कोई वुल्फ था शायद, भेड़िया भी नहीं था। एक वो भाई साहब आई थिंक कनाडा से भी आए, तो वो ट्यून इन किया था, उन्होंने भी कोई ऐसी कोई कहानी सुनाई थी कि इवन ही स्पॉटेड लाइक अ वेरी बिग वुल्फ या समथिंग समवेयर। तो मेरी मेन मैंने भी उसको बस स्टॉप के इधर ही कहीं स्पॉट किया था जब मैं अंडरग्रेड में था। तो हाँ बस यही हुआ था मेरे साथ कनाडा में, बाकी पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं। और जुहेब भाई? मैं एक शेयर करना चाहूंगा। मेरे तो एक्चुअली मेरे पास काफी इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए हैं, मैंने कभी शेयर नहीं किए, लेकिन मैं एक छोटा सा करूंगा, टाइम भी आपके पास लिमिटेड होता है। तो मैं एक्चुअली अपनी वाइफ का शेयर करना चाहूंगा। मेरी वाइफ बेसिकली शादी से पहले, वो जिधर रहती हैं रहती थी, लाहौर का अंदरून शहर संत नगर के नाम से वो जगह है, वहां पर पार्टीशन से पहले के घर हैं वहां पे, सारी बिल्ड पार्टीशन से पहले की है। तो जिधर वो रहते थे वो थोड़ा हॉन्टेड सा था, और इनके वालिद जो थे अल्लाह बख्शे, उन वो भी थोड़ा सा इस दीन की तरफ काफी थे, और चिल्ले वगैरह जिनको कहते हैं वो करते रहते थे। तो एक दिन कोई हमारे रिलेटिव इनकी तरफ गए हुए थे, और वो छोटे बच्चे थे, जैसे 9-10 ईयर्स ओल्ड के बच्चे थे सारे वो। तो एक दिन रात को देखते क्या है कि वहां पर एक बिल्ली शायद बैठी हुई है, और बड़ी वीर्ड किस्म की बिल्ली बैठी हुई है। तो अब जारी बात है, इसका काम था, मेरी जो वाइफ थी उन्होंने वो टेक केयर करी थी बच्चों को उस वक्त, तो उन्होंने उनको बुलाया, कहते हैं कि ये क्या है बाजी, ये देखिए क्या अजीब सा कुछ जानवर सा है। तो उसने कोई आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ी, तो जैसे जैसे वो बता रही है कि आयतल कुर्सी वो पढ़ती गई, तो जानवर दूर जाता गया, और जाते और आहिस्ता आहिस्ता उसकी शक्ल बदलती गई, जैसे वो पहले बिल्ली या बिल्ली का बच्चा था, फिर वो भाग दूर जाता गया आहिस्ता आहिस्ता, तो वो पपी बन गया। पपी के बाद वो मजीद दूर गया तो वो एक मेमना बन गया, और फिर वो गायब हो गया। तो ये छोटा सा वाकया उसने मुझे बताया, तो मैं तो मतलब मेरे साथ काफी चीजें हुई हैं, मगर इतना ज्यादा ऐसा इनकाउंटर मेरे साथ कभी नहीं हुआ। तो मैंने जब सुना था तो मैंने कहा यार काफी एक है थोड़ा सा स्केरी सा। और ये क्या लाहौर लाहौर में में हुआ हुआ था? था लाहौर में संत नगर में, यहाँ पे एक्चुअली जो सारी ये जगह है ये पार्टीशन से पहले की, और जैसा कि आप नाम से आपको पता चलता होगा, ये हिंदुओं की बेसिकली यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी रहती थी, और यहाँ पर जाहिर बात है उनकी अपनी पूजा और ये सारी चीजें होती थी। और जो जिस घर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप, मेरे पास पिक्चर्स नहीं है, तो ये घर थोड़ा सा लगता ही हॉन्टेड सा, काफी हॉन्टेड सा लगता है घर। तो मेरी कोई ऐसी एनकाउंटर नहीं हुआ, मेरे साथ हुए काफी, बट ये एक ऐसी चीज थी जो जब मुझे इसने बताया, नरेट किया था सारा कुछ, तो मैं भी काफी थोड़ी देर के लिए थोड़ा डर गया था कि यार ये क्या है, मैं थोड़ा खुद भी ओके ओके। डरपोक सा ही बंदा हूँ। लेकिन कनाडा में आप कनाडा में लोगों आप के लोगों साथ का कुछ कुछ नहीं हुआ? मेरे साथ तो हुआ है जोएब भाई के साथ। मेरे साथ, मैं अगर आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा खुद भी थोड़ा स्पिरिचुअल साइड पर मेरी थोड़ी, मैं थोड़ा लीन करता हूँ ज्यादा। तो मैं आपको इन शॉर्ट दो वाक्य सुना देता हूँ। हमारा जब कनाडा आने के लिए इंटरव्यू था, तो कैनेडियन एम्बेसी में हम जाना था, तो उससे एक दो दिन पहले मेरी वालदा ने हमें कहा, जैसे कि आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें और कुल हुवल्लाह और इस तरह की चीजें पढ़ते रहा करें। तो ये होता ना कि जैसे आप एग्जाम जा रहे हैं तो माँ बाप कहते हैं कि यार आप पढ़ तो रहे हो, साथ साथ ये इबादत भी कर लो, अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए अल्लाह मियाँ बेहतर करेगा। तो अब उस 2 दिन से हम मतलब बैठे हुए पढ़ भी रहे हैं और तैयारियां भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो जिस दिन मैं हम गए हैं अम्बेसी गए हैं,
उधर 6 या 7 पर डे उनकी वहां पर कैपेसिटी है पर डे की फैमिलीज की। तो इत्तफाक की बात ऐसी है कि हमारा नंबर बिल्कुल एंड में आया और हम अपना वो पढ़ रहे हैं, जो भी अम्मी मेरी मम्मी ने हमें तस्बीहां वगैरह पढ़ाई हैं। तो मैं बिल्कुल ना अपनी रो के कॉर्नर में बैठा हूँ, साथ ही वहां से हॉल टाइप का है जहाँ से आप वॉक करके तो अम्बेसी के अंदर इंटरव्यू के लिए रूम्स में जाते हैं। तो अब मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे जिस तरह आपका एक पेरिफेरल व्यू होता है, आपकी जैसे आपकी बिल्कुल आई का एक कॉर्नर सा है, तो वहां से आपको जैसे चीज समटाइम दिखती है, तो उस तरह से मुझे एक बुजुर्ग जैसे नजर आए हैं कि वो बिल्कुल व्हाइट कलर की एक लाइट उनमें से निकल रही है और वो हमारे साथ, उन्होंने भी तस्बीह जैसे पकड़ी हुई है और वो कर रहे हैं। अब ये तो मेरे साथ तो वाकया हुआ है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं सो रहा था, तो ये एक वाकया था। दूसरा वाकया कनाडा के अंदर जो हुआ है वो एग्जैक्टली सेम था। वो ऐसा था कि मैं हमने जब भी कोई यहाँ पर नॉर्मली आते हैं लोग, वो आके घर नहीं खरीद लेते, तो हर कोई यहाँ पे अपार्टमेंट्स में ही पहले मूव इन करता, तो हमने भी पहले अपार्टमेंट ही लिया। तो एक दिन रात को ऐसा ही हुआ कि मैं रात को उठाऊं, कोई 1-2 बजे का टाइम होगा, सुबह को सबकी जॉब्स होती थी तो अंधेरा था, मैं उठ के किचन में गया हूँ और पानी पीने लगा हूँ। तो इसी तरह एग्जैक्टली एक आपके बिल्कुल आपकी आंख के जो कॉर्नर से आपको एक धुंधला सा दिखता है, तो मुझे ऐसे दिखा कि एक आदमी बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा हुआ है और वो उसमें से काली, जैसे वो बिल्कुल डार्क है, उसमें से काली सी वो जैसे रोशनी निकल रही है काले रंग की। तो ये दो चीजें हुई थी मेरे साथ। ओके। चलें, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बिग फैंस, अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर साहब, ये इनकी आवाज बड़ी डिस्टॉर्ट हो रही थी, वो असल में वाकया बताए थे इसलिए मैंने ज्यादा वो नहीं किया। और वो मैंने आपका वो मतलब खोला हुआ था, वो तो अपना बोल भी रहे थे और शो भी खोला हुआ था, तो वो हाँ, आई थिंक वो उसका फीडबैक आ रहा था। आपने वाकया सुने डॉक्टर साहब? जी अब हमारे साथ जिन एक्सपर्ट मौजूद हैं उनका नाम है डॉक्टर सोलंकी। जिन एक्सपर्ट बताएंगे कि इन वाकयात में उन्होंने क्या पाया, बताइए डॉक्टर साहब। एक तो हमारा टिपिकल वाकया था कि मैंने देखा कि बिल्ली थी वो कुत्ता बन गई, उसके बाद वो हाँ मैना बन गई और वो उड़ गई। तो हाँ ये तो बड़ा इनोसेंट वाकया है और मैं इस पे कुछ नहीं कहता किसी को, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ऐसा हमारे पास, मैं समझता हूँ कि ज्यादातर रियल वाकया ऐसे ही होते हैं। रीजन उसका ये होता है कि भाई हम एज फार एज आई कैन सी हम तो देख सकते हैं मटेरियल चीजें, जो चीजें मटेरियल नहीं है वो तो इतनी है कि वो पूरी दुनिया को हमसे ज्यादा है। तो बेचारे गरीब अगर कहीं गलती से कुछ करने के लिए आते हैं और हम अचानक वहां पहुंच जाते हैं, तो वो इसी तरह बेचारे अपने आप को शक्ल सूरत बदल के भागते हैं वहां से। जैसे लोग कहते हैं ना डॉपलगैंगर, कि मैं मेरी शक्ल का एक दूसरा आदमी घर में देखा गया जबकि मैं घर में नहीं था। तो ये वो उस तरह के एक मतलब सिंपल सी चीज है। अब वो जो वो वाली बात थी, जो एक बाबा उनको नजर आया कनेडियन एम्बेसी के अंदर, उनमें से शुआइन नजर आई थी, इसके पीछे मैं क्या कह सकता हूँ। वो क्या बाबा भी कनेडियन एम्बेसी जा रहे थे मतलब वीजा के लिए अप्लाई कर रहे थे, आई डोंट गेट द थिंग। लेकिन हो सकता है कोई नेक कोई गुजर रहे हो वहां से, ये कहते हैं कि ये हो स्पिरिचुअल सकता है आती है इनके साथ ही हो, इनके ये भी साथ तो ही हो, स्पिरिचुअल थे ना, ये भी हैं। लाइक तो मैं, और क्योंकि माशाल्लाह काफी संजीदा किस्म के लोग लग रहे थे, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये मजाक कर रहे थे हमारे साथ। तो नहीं, मजाक तो आई नहीं कर रहे थे। थिंक हाँ ये स्पिरिचुअल किस्म के कोई थे जो इनकी गार्डियन कह सकते हैं, ये इनके साथ साथ होता है। क्योंकि हमें नहीं पता, कभी कभार हमारे घरों में होते हैं जो हमें बचपन से देख रहे होते हैं, हमसे अटैच हो जाते हैं, तो दे काइंड ऑफ लुक आउट फॉर अस। और मुझे ये जैसे लग रहा है कि मेरी इनके साथ यही वाला सीन था। मेरी नानी थी, उनका जो सऊदी अरब में जब वो होती थी, तो वो एक घर में थी जहाँ थोड़े मसाइल थे। उधर मजे की बात ये होती, तो उनको टेंशन नहीं ना कोई, वो है तो है, मैं क्या करूं, बाकी सबकी हालत खराब। आप जानमाज बिठाएं गलत डायरेक्शन में, वो खुद ही सही हो जाती थी, वो खुद ही सही कर देते थे। अगर लोगों की हालत खराब होती थी, हमारी नानी कहती थी भाई क्या हो गया, तो परेशान किया बात है। तो इस तरह के होते हैं वाकयात, और आई बिलीव के इंसान के साथ तो अच्छी लक रही है, मतलब अच्छी लक रही कि इनके साथ कुछ बुरा नहीं है। तो हमारी बात हो रही थी बातों के ऊपर, के बंद कमरों में बात, उससे मुझे कहानी याद आई जो लास्ट कुछ अरसे में मैंने की है, कि
एक साहिबा थी, मतलब बेसिकली किसी की ग्रैंड मदर थी। वो छत पे जाके रातों वो लड़के सिगरेट पीने जाते हैं, या डिफरेंट हमारी तो कॉन्वर्सेशन ही यहीं से शुरू हुई है। तो जी छतों पे छुप जाते थे, तो एक दिन छत पे फोन पे वो बंदा बात कर रहा था, तो थोड़ी सी आवाज आ रही थी, तो इनकी दादी ने आवाज सुनी और वो तिल मिला के छत की तरफ भागी। वो लड़का जो था वहां, वो सिगरेट पी रहा था, फोन पे किसी से बात कर रहा था, बहरहाल दादी ने पकड़ लिया। अब वो, उसको समझ में ना आया कि भाई इतनी हाइपर क्यों हो रही है, इतनी हिस्टेरिकल क्यों हो रही है, कि भाई मैं फोन पे ही तो बात कर रहा था, अगर सिगरेट पे पकड़ा है या इस चीज पे पकड़ा है तो उस पर तो गुस्सा करना चाहिए, ये तो ऐसी हिस्टेरिकल हो रही है जैसे कोई जिंदगी मौत वाला सीन चल रहा है। बहरहाल वो उनके साथ नीचे आया दादी के साथ, और थोड़ी सी गुफ्तगू हुई, तो दादी ने अपना एक वाकया बताया अपनी जवानी का। वो कहती हैं कि जनाब, उनके एक बड़ी फैमिली थी, ये भी लाहौर की स्टोरी है, और इनके मतलब भाई थे, बहनें वगैरह सब। तो सबसे छोटा भाई जो इनको जो था, ये इस फैमिली का, इनकी दादी की, वो बड़ा खूबसूरत बॉडी बिल्डर टाइप का बंदा था, और मतलब रिसेंटली जवान, 22-23 साल वाला एज ग्रुप मैक्सिमम, और बड़ा खूबसूरत गोरा चिट्टा। और मतलब हालात ये थे कि भाई इनकी फुप्पुएं खालाएं वगैरह के रिश्ते आना शुरू हो गए थे, भाई हमारी बेटी से करा दो, हमारी बेटी से करा दो, ये वाला एक लेवल चल रहा था। अब कुछ अरसे ये हुआ कि वो थोड़ा सा घर के अंदर जो था, वो क्योंकि कंजेस्टेड भी था बकौल इनके, और लाहौर की गर्मी जब बहुत इंटेंस हो जाती है तो बड़ा गर्मी, मतलब अंदर बंद कमरे में रहना मुश्किल हो जाता है। ये बात हो रही है पार्टीशन के आसपास के टाइम की, जब इतना बिजली का भी प्रॉब्लम था, पंखे भी नहीं थे इतने ज्यादा, तो लोग छत पे जाके अल्टरनेटेड करते थे, सो जाते थे। अब ये कहती हैं कि भाई इनके जो छोटे भाई थे, उन्होंने छत पे चारपाई डाल के सोना शुरू कर दिया था कि भाई बहुत गर्मी है वगैरह वगैरह। तो एक आम बात थी, और पुराने जमानों में जिस तरह घर होते हैं, विराट एक बरांडा होता है, उसकी चंद कमरे है, उसके ऊपर एक छत बनी हुई है छोटी सी या लंबी सी, तो वो बंदा जाता था और किसी को परवाह नहीं होती थी, भाई छड़ा छाट लड़का है वो छत पे सो रहा है क्या है, और ये बात हो रही ना मोबाइल ना कुछ। अब कहती है वो कि इन्होंने नोटिस किया कि पहले तो वो जाता था कि नीचे लेटता था कि गर्मी हो रही, फिर ऊपर जाता था। अब वो बाकायदा उसने अपनी चारपाई ऊपर डाल दी है, और वो रात में अब नीचे घर में नहीं सोता, वो छत पे ही सोता है। किसी ने इस चीज पे ज्यादा अटेंशन नहीं दी कि चलो खैर है, होता है, कोई मसला नहीं। अब जब उसको बोला कि भाई तुम नीचे चारपाई डाल लो, तो कुछ उसकी तबीयत थी खराब होने लगी, कोई वहशत की होने लगी, उसके सांस नहीं आ रही, सफोकेशन हो रही है घर के अंदर नीचे, जहां पे वो साला साल से सो रहा था, वो वापस वहां सोता है उस जगह पे, तो उसको सफोकेशन हो रही है, ऐसा लग रहा है कोई सांस नहीं आ रही। तो फिर वही घर वालों ने बोला भाई तुम ऊपर ही सो जाओ, छत पे जाके। फिर वहां सोने लगा, किसी को बीड़ नहीं लगी ये बात, बोले शायद वो होता है कोई एलर्जी हो, कुछ मतलब वजह होगी। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने नोट किया कि अब हल्की किसी बातों की आवाजें आने लगी हैं छत पे। तो इन्होंने पूछा एक आध दफा के भाई ऊपर किसी से बात कर रहे थे या नीचे कोई आया हुआ था, ऊपर के नीचे बात कर रहे थे, तो अगले ने कोई जवाब नहीं दिया और बोला नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, बात को टाल दिया। अब ये एक डेली, भले सर्दी हो या गर्मी हो, मतलब वो वाला सीन शुरू हो गया था कि बंदे ने छत पे सोना है और छत पे जाता है, और जैसे ही थोड़ा सन्नाटा होता है हल्की हल्की की बातों की आवाजें आने लगती। अब जैसे ही नीचे दिन में बातचीत शुरू हुई, तो किसी ने ऐसी बात की कि भाई रात को किससे बातें करते हो सकते, तो अगले ने तो इनकार किया, कोई जवाब नहीं दिया, ये भी नहीं बोला कि नहीं करता, अब कोई जवाब ही नहीं दिया। बात गोल की तो उनके बड़े भाई ने ऐसे ही बोल दिया कि भाई हो सकता है भाई किसी लड़की से बात कर रहा हो, शादी वादी का चक्कर हो। तो उस पे उसने बड़ा अजीब सा स्माइल पास किया, उसने बोला हाँ हो सकता है करके एक अजीब सा एक जुमला मारा, जो कि घर वालों को समझ में नहीं आया कि छत पे बैठ के एक मतलब ये किस किस्म की बात है। खैर ये इनके सिलसिले चलते रहे, वो लड़का छत पे ही बातें करता रहता था रात को, और जल्दी चला जाता था, मगरिब के बाद जाके बैठ जाता था। पहले होता था कि भाई ईशा हो गई, एक आध घंटे के बाद लोग सो जाते हैं, तो वो जाता था, अब मगरिब के बाद से भाई साहब चारपाई पे बैठ जाते थे छत पे जाके, और बातें करते रहते थे।
अब ये थोड़ा सा लोगों को परेशानी होने लगी कि इस बंदे का जो मुस्तकिल टाइम है ये वहां पे क्यों जा रहा है। अब जनाबे आली वक्त थोड़ा सा गुजरा तो इनकी खाला या फिर खाले फूफो थी स्टोरी में, मुझे ये याद नहीं आ रहा, तो वो अपनी एज यूजुअल वो आई और उन्होंने इंटेंशन शो की इस लड़के की वालदा से कि क्या कहते हैं इनसे मेरी बेटी की शादी करा दो और वगैरह वगैरह, जवान है, फैमिली मेंबर है, वट एवर। अब जैसे ही ये सिलसिला शुरू हुआ कि भाई उस, और ये ऑब्वियसली इसमें कोई इस तरह का रिश्ता था कि मना भी नहीं कोई कर सकता, उस लड़के की तबीयत खराब होना शुरू हो गई और सफकेशन हो रही है, सांस में प्रॉब्लम हो रहे, और जब इस चीज को ज्यादा इन्फोर्स किया तो वो भाई साहब जो है वो खून की उल्टी कर गए। अब जब खून की उल्टी कर दी और इस तरह के सिलसिले हो गए तो भाई अस्पतालों के चक्कर, हकीमों के चक्कर शुरू हो गए और वो सारी चीजें बात साइड पे हो गई कि उसका बिहेवियर कैसे चल रहा है और सारा फोकस इस पे चला गया लड़के को क्या हुआ। अब लड़का नॉर्मल वापस आए, उसके बाद घर में आए और घर में आने के बाद क्या हुआ जनाब, फिर वो फुप्पो या खाला आई वही चीज इन्फोर्स करने के, भाई उसकी तबीयत खराब हो गई थी, आप बात तय करनी थी, हमने ये करनी थी वो करनी थी, इस सब्जेक्ट को छेड़ना था, वो लड़का फिर आउट होना शुरू हो गया, तबीयत खराब, सांस बंद हो रही है, ऐसा लग रहा है गला बंद हो रहा है, इस तरह की इश्यूज शुरू हुए। और होता यह था कि हल क्या होता था जी कि वो छत पे चले जाए तो उनको सांस आने लगती थी और इस तरह के इश्यूज थोड़े बेहतर हो जाते थे, तो वो सिलसिला, हालात ये हो गए कि भाई फूफो ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि भाई इसके तो हम रिश्ते की बात करते हैं तो ये अपनी तबीयत खराब कर लेता है और इसका मतलब ये करना नहीं चाहता, एक्स वाई जेड करके बात खत्म हुई, लड़की की ऑटोमेटिक तबीयत सही हो गई। फिर वही रूटीन शुरू हो गया, भाई मगरिब के बाद छत पे चले जाए, बातें कर रहे हैं, ऊपर जाओ कोई नहीं है और पूछो तो कोई जवाब नहीं है, स्माइल पास कर रहे हैं। इवेंचुअली एक दिन थोड़ी सर्दी थी तो ये इनकी बहन यानी दादी जो इनकी थी लड़के की जो बता रहा है, तो उनकी बहन ने बोला कि भाई ऊपर सर्दी हो रही होगी, ये तो बगैर मतलब कुछ लेके नहीं गया, तो भाई को अपने बोला कि ये चादर या कंबल या जो भी है वो लो और जाके छत पे उसको दे। तो बड़े भाई थे, उनको आवाज आ रही थी ये कोई बातें कर रहे हैं, तो बड़े चुपके से ऊपर जाके की जगह छुप के बैठ गए और वो ऑब्जर्व करने लगे ये कर क्या। अब ये उन्होंने कुछ बातें सुनी और थोड़ी सी इसी तरह की बातें थी जैसे किसी लड़की से आप बात करते हैं और थोड़ा सा रोमांटिक स्टाइल में बातें करते हैं कि आप कैसे हैं वगैरह वगैरह और ये सब कुछ, तो ये सुनते रहे, उसके बाद एकदम से बाहर निकल आए और तंग करने लगे कि भाई किससे बात करने की एक्टिंग कर रही हो, ऐसा लग रहा है कि किसी से तुमने बात करनी है और अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। तो वो हंसते हुए कहते हैं कि वो सामने खड़ी है जिससे मैं बातें कर रहा हूँ, आप उनसे पूछ लें। अब भाई साहब थोड़े से हैंग हो गए कि लिटरली वहां सामने कोई नहीं है और उनको लगा कि जिस तरह मैं मजाक कर रहा हूँ तो ये भी मुझसे मजाक कर रहा है, और इन्होंने जो है वो सिर्फ वो चादर वादर दी और नीचे आ गए कि भाई पता नहीं ये किस किस्म का मजाक है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। खैर ये नीचे उतरे, वापस एक दिन और गुजर गया। अब ये सिलसिला चलता रहा और बातें चलती रही, इवेंचुअली एक टाइम आया कि भाई इन्होंने ऐसे बात करना शुरू कर दी कि भाई एक फलान लड़की से मेरी बातचीत चल रही है। जब घर वालों ने पूछा कि भाई तुम इतनी लंबी बातें किससे कर रहे होते हो, तो उन्होंने कहा भाई मैं एक लड़की से बात कर रहा था। वो कैसी लड़की है? वैसी लड़की है, उसके ऐसे बाल हैं, ऐसे वो सोने की चीजें पहनती है और खुले बाल होते हैं, बड़ी बड़ी उसकी आंखें हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। और सारे हैरान कि एक आदमी जो है वो बीमारी था, बीमार के बाद घर में पड़ा हुआ था, उसके बाद अभी भी ज्यादा बाहर नहीं निकलता, घर में पड़ा रहता है, ये क्या बातें कर रहे हैं लड़कियों की और इस तरह की। खैर एक दिन जो है वो इनकी बहन ने जाके अपने भाई से पूछा कि भाई ये क्या मतलब किससे बातें कर रहे हो, कौन ये लड़की है? तो उसने इनको कहा कि जो है वो गुस्से में आपको जल्द बिला दूंगा और वो तो वैसे ही मुझे कह रही है कि बस मेरे साथ चलो, तो मैं इस बारे में सोच रहा हूँ। बहरहाल बहन समझी कि कोई मजाक वजाक टाइप की कोई बातें हैं, तो उसने इनको आगे से कहा कि भाई जो भी करना मतलब बता के करना और बस खूबसूरत लड़की है तो हम कर लेंगे वगैरह वगैरह, और सिमिलरली बात खत्म होगी। नेक्स्ट नाइट उन्होंने जब बोला था कि मैं आपको उस लड़की से मिलाऊंगा क्योंकि मैं उसके साथ जाने वाला हूं, तो ये
इंतजार करती हूँ कि ये आएगा, हम बारे में बात करेंगे, ये बात होती रहे। तो रात हुई, वो बंदर छत पे चला गया, बहन जो है वो नीचे बैठी हुई है, ऊपर बातों की आवाजें आ रही है। और थोड़ी देर के बाद उनको बहन ने सोचा कि मैं जाके इस लड़के से बात करूं कि आखिर ये माजरा कब तक चलेगा, जो है क्लियर कट सामने बताओ, इतनी मिस्ट्री क्यों रखती है। बातों की आवाजें आते आते एकदम से खामोशी हुई। बहन ऊपर जब भाई से मिलने गई, चारपाई रखी है, कंबल रखा है, तकिया रखा है भाई ने, घर वालों को पूछा कि भाई किधर गया, भाई नहीं मिला, बाथरूम फलाना धमाका, नीछे कर दिया कि कहीं छत से नीचे छलांग ना मार दियो, कोई नामो निशान नहीं। गांव वालों से पूछा, नामो निशान नहीं। कहा यह जाता है, ये इनकी जो दादी कहती है कि इनके जो भाई थे ये छत पे खोया करते थे, तो उनका कुछ किसी से, इस तरह आपने बैल्कनी वाली बात की कि वो बैल्कनी थी, इनके पास कोई आने लगी थी छत पे, जिससे ये बातें करने लगी। और नाइव आदमी था, छोटा लड़का था, वो उसके हुसन में आके उससे बातें करने लगे, वो फ्री होती गई, वो फ्री कराते गए। इवेंचुअली ये हाल आया कि वो उनको ले गई। और बकवाल, इनकी दादी के जो वो दिन है और आज का दिन है, तो खैर उनकी दादी का इंतकाल हो गया थे, साल ऑलमोस्ट पुरानी कहानी, पता ही नहीं उसका, पता ही नहीं चला वो बंदा था भी, मतलब ये बात आ गई कि वो बंदा एग्जिस्ट भी करता था कभी। ओह, पता आपको, ये रेडियो के जमाने में ना मुझे सिमिलर इस तरह की कहानी आई थी, लेकिन ये तो किसी आपने गांव वगैरह की बताई है, ये लाहौर, ये जो लाहौर की मुझे आई थी, ये कराची में जो आपका महमूदाबाद है ना, इधर की आई थी। और सिमिलर यही थी कि वो ये कि हमारे भाई बड़े खूबसूरत थे, सही है, किसी का भाई कभी बदसूरत तो होता नहीं है, हमेशा खूबसूरत होता है। तो ये हसीन जमील आदमी थे, उनके खून निकलता हुआ नजर आता था, इतने गोरे थे, सही है। खैर, वो कह रहे कि वो हसीन आदमी थे, वो गर्मियों के दिन थे, लाइटें जाती थी छत पे, वो सोते थे, जैसी लाइट गई तो छत पे चले गए। तो कहते हैं लोगों ने, हम सब ने ये नोट करना शुरू किया कि वो छत पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो फिर पता ये चला कि भाई कोई, इनको ये लगना शुरू हुआ कि शायद हो सकता है मोहल्ले में नैन में टक्का चल रहा हो, कोई बातचीत चल रही हो, भाई जवान हो रहा है, इश्क वेश्क हो गया होगा किसी से। अब ये जाके वो छुपते छुपाते सुनते तो इनको आवाजें आती बातें बातें करने की, तो इनको कंफर्म हो गया कि भाई का जो है हमारे अफेयर चल रहा है, और भाई जो है भाभी लाने में बिल्कुल अपने आगे आगे पेश पेश है। इन्होंने जाके अपने वालिदैन को बताया कि भाई ऊपर भाई जो है ना किसी से बातें करते हैं, वो लड़की की आवाज़ आती है और ये होता है। तो अब्बा को बताया तो अब्बा गुस्से में आ गए, अब्बा ने कहा हमारे होते हुए हमारा बेटा कैसे इश्क करेगा, पहले हम करेंगे, हमने नहीं की तो बेटा कैसे करेगा। अब्बा गुस्से में ऊपर छत पे पहुंचे। अब वो कहते हैं कि छत तक, जैसी वो जीने तक पहुंचे तो उनको आवाज आ रही थी बातें करने की, और जैसी वो दरवाजा खोला छत का, तो भाई जो है चारपाई पे बैठा हुआ और चारों तरफ कोई भी नहीं। तो भाई से पूछा, भाई तुम किससे बातें करते, कौन है लड़की, क्या हो रहा है? और कह रहे कोई भी नहीं, क्या हुआ, कुछ भी नहीं, मैं तो आराम से छत पे बैठा हूँ, लाइट गई हुई थी, ठंडी हवा के मजे ले रहा हूँ, कौन, किसने कहा? कहता है नहीं, सब ने सुना है, बहन ने भी सुना है तुम्हारे, इसने भी सुना, उसने भी, कह रहे नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब्बा को शक हो गया, अब्बा ने कहा नहीं, दाल में कुछ काला है। अब्बा ने जो है दो चार दिन और कुछ नहीं किया, जाने दिया, ये नोट करने लगे कि भाई जो है ना एक मखसूस टाइम के बाद छत पे चले आते हैं, और फिर रात भर छत पे रहते, और फिर शाम के सुबह के टाइम पे फजर से पहले नीचे उतर के आते, और फिर दफ्तर वफ्तर चले जाते। अब्बा ने कहा कि चलो भैया, अब मुझे जो है ना ये अपना शर्लॉक होम्स जगाना पड़ेगा। वो रात को जो है ऊपर गए, टक 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 करते हुए छत पे पहुंच गए। अब्बा ने भी बिल्कुल वैसे ही एक्ट किया कि वो अब्बा जो है वो घर की लाइटें बंद हुई, खाना वाना खाया सब, ये अब्बा और फैमिली ने इस तरह रिएक्शन दिया कि अब हम भी सो गए। तो भाई ने जब देखा कि सब सो गए तो वो छत पे चला गया, ये भी पीछे पीछे छत पे गए। इन्होंने जाके नोट किया कि भाई जो ना कम छत के एक कॉर्नर में बैठे हुए खड़े हुए, और छत की दूसरी तरफ गांधी के जो ओपन एरिया है आसमान, उसकी तरफ देख के बातें कर रहे हैं। अब इनकी जो है ना अब्बा की वो कि यार ये क्या, मेरा बच्चा पागल वागल तो नहीं हो गया, कोई इसका मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या कर रही है? अब्बा ने फौरन, मतलब एक सेकंड नहीं लगाया, अब्बा ने वहीं पे डांटना शुरू कर दिया कि तुम्हारा क्या हो गया और ये हो गया, तुम किससे बातें कर रहे हो, मैंने तुम्हें देखा है बातें कर। तो वो भाई घबरा गया कि मैं किसी से बातें नहीं कर रहा, मैं किसी से नहीं। अब्बा ने वही जो पाकिस्तानी अब्बा करते हैं, सबसे पहले थपाक थपूक थपाक, दो तीन गालियां और दो चार चमाटे। उसके बाद भाई ने जो रोते रोते बताया कि नहीं नहीं वो लड़की आती है बराबर वाली छत से, एक लड़की आती है मेरी, उससे दोस्ती हो गई,
और मैं उससे दोस्ती करते करते मुझे मोहब्बत हो गई है और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, वो भी मुझसे मोहब्बत करती है, और आपकी वजह से वो देखे डर के मारे चली गई। कह रहे कौन सी लड़की कौन सी मोहब्बत, मुझे क्यों नहीं नज़र आ रही। कह रहे नहीं अभी वो नज़र नहीं आएगी, वो डर के चली गई। अब ये बड़ा और वो हो गया कि यार ये कौन सी लड़की है, बराबर में कौन सी लड़की है, बराबर वाली छत पे, बराबर वाले तो हम रिश्तेदारों को जानते हैं, वो जो इलाके के नेबर्स हैं पुराने रहने वाले हैं सबको जानते हैं, उनकी बेटी तो बहुत छोटी है, तुमने उससे अफेयर चला लिया। कह रहे नहीं नहीं वो नहीं दूसरी है, कोई और है भाई। अब वो कॉमेडी सीन भी चल रहा है कि यार वो तो छोटी सी बच्ची है, नहीं वो बड़ी है, वो है ये वो है। अब्बा को ये कन्फर्म हो गया कि हमारे बेटे साहब या तो नशे कर रहे हैं या फिर दिमाग से पैदल हो गए। होता ही है कि एक रात फिर ऐसी होता है, सब घर वाले खाना वाना खा के अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, भाई देखता है कि कोई भी नहीं है, वो अपने तकिया वकिया ले के जो भी है वो ऊपर जाते हैं, कोई रात के 1-2 बजे के करीब या 3 बजे के करीब, नहीं बल्कि नहीं 3 बजे नहीं, मगरिब से पहले, सही है, जो घर वाले नीचे होते हैं उनको ना खटर पटर की आवाज़ें आती हैं जैसे छत पे कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो ये घबरा जाते हैं कि यार पता नहीं क्या हो गया, कोई भाई ने कोई सुसाइड किया, कोई इश्क में नाकामी या कोई इस तरह की ना कोई चीज़ ना हो गई हो। ये लोग ऊपर भागे तो छत पे कोई भी नहीं, चारपाई वैसी पड़ी हुई है, तकिया वैसी पड़ा हुआ, कोई भी नहीं। अब ये परेशान कि यार भी हमारा भाई कहाँ गया, घर में नीचे जाके कमरों में देख लिया वहाँ पे भी नहीं, बाहर मोहल्ले में देख लिया वहाँ पे कोई नहीं, इत्तेफाक से रात के चौकीदार वौकीदार होते हैं उन्होंने कहा नहीं हमने भी किसी को निकलते भी नहीं देखा, कोई भी नहीं गया। अब एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते तक उस भाई का पता ही नहीं चला। होता ये कि 1 हफ्ते के बाद जो सामने वाली बिल्डिंग में एक साहब होते हैं वो इनके पास आते हैं, कहते हैं मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। कहते क्या हो गया, इनको लगा कि शायद ये इन्होंने देखा, इन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि मैं आपके बेटे के बारे में जानता हूँ। कहते क्या बताइए बताइए, तो इनको लगा कि अभी वो बताएंगे क्या, वो घर में सीढ़ियों से नीचे उतर के बैग उसके हाथ में था, वो घर से भाग गया और वो भाग के शादी करने चला गया। और ये वो कहते हैं आपको जो मैं बताऊंगा आप यकीन नहीं करेंगे। कहते क्या, कहते मैं इत्तेफाक की बात यह कि मैं वो तहज्जुद की नमाज के लिए उठता हूँ, तो मैं तहज्जुद की नमाज के लिए उठा और मैं वजू कर रहा था तो नलका जो था वो मेरा उसके उस तरफ था जहाँ पे खिड़की थी और खिड़की से आपकी छत नजर आती थी, तो मैं अक्सर आपके बेटे को देखता था, वो रात में जो है ऐसे वॉक कर रहा होता था, ऐसे किसी जगह पे खड़ा होता था, बातें कर रहा होता था, मुझे लग रहा होता था कोई है और भी मौजूद है। तो कहते मेरे लिए कोई बड़ी नॉर्मल सी बात थी, लेकिन उस रात को बड़ा अजीब हुआ। कहते कौन सी रात, कह रहे ये 1-4-5 दिन पहले। कहते क्या हुआ, कहते मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हवा में से कोई मखलूक गुजर रही थी और उसने आपके बेटे की चारपाई को देखा, आपके बेटे को देखा और बेटे को उठा के वो ले गई। कहते क्या, कहते हाँ वो 3-4 औरतें थीं, मतलब परियां थीं या चुड़ैले थीं जो भी थीं, वो जा रही थी, उन्होंने आपके बेटे को देखा, उठाया और ले गई, जैसे चिड़िया गोश्त उठा, चील गोश्त उठा के नहीं लगी जाती, वैसे फ्रश करके उठा के ले गई। कह रहे क्या बातें कर रहे हैं आप, ये ऐसा कैसे हो सकता है। कहते नहीं मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैंने आपको, मुझे बड़ी, कहते मैं आपको उसी वक्त आके बताना चाह रहा था लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आपको कैसे बताऊँ, कोई रियल वही वो यकीन ही नहीं करेंगे आप। कहते हम यकीन नहीं करेंगे आप क्या बातें कर रहे हैं, हमारे बेटे को चुड़ैले उठा के ले गए, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई चिड़िया का बच्चा है या गोश्त का टुकड़ा है कि उठा के ले गए, चूहा है क्या है वो उठा के ले गए। कहते नहीं ऐसी हुआ, ये बात है 2000 जब अर्ली स्टेज में जब मैं रेडियो कर रहा था उस वक्त भी उनके भाई को घर से भाग गायब हुए हुए 10 साल हो चुके थे, तो अब आप लगा लें 20-30 साल में उनका आज तक कुछ नहीं पता, वो कहाँ गए, उनकी एग्जिस्टेंस पे सवाल उठ गया कि वो एग्जिस्ट करते भी हैं कि नहीं करते। क्योंकि चले मैं इसके 3-4 जाविये बनते ना, एक है कि भाई वो नाकामी, घर वालों ने मना कर दिया शादी से, उसने भाग के शादी कर ली, भाई भाग के शादी कर ली, कभी ना कभी तो वापस आता, भाई बच्चे होते कभी ना, इंसान है ना, नेचर है ना, नेचर में तो आप वापस आते हैं अपने फैमिली को, अल्टीमेटली आप अपनी फैमिली के पास आप अपने वापस आते हैं, अपनी बीवी अपने मैके जाती है, बेटा अपने बाप के पास आता या माँ के पास आता, माँ बाप की बीच में डेथ हुई उसमें आता, कहीं ना कहीं आता। दूसरा ये कि भाई उसने सुसाइड कर ली, सुसाइड करता तब भी उसकी बॉडी मिलती गई, कुछ तो पता चलता, कोई रीज़न पता चलता, किसी से पता कुछ भी नहीं है, कोई डेथ साइलेंस, बिल्कुल कुछ भी नहीं। आज भी वो फैमिली, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में उनसे मेरी ईमेल में वो खिताबत हुई, उन्होंने मुझे रिमाइंड करवाया, आज वो कहते हैं कि हम इस बात पे
हमारा दिमाग यकीन नहीं करता मिनाज भाई कि जो हमारी नेबर ने बताया कि उठा के उनको ले गए, लेकिन हमारे पास इस कहानी के अलावा और कोई यकीन करने के लिए नहीं है, क्योंकि हमने हर चीज़ करके देख ली, हमने वो हॉस्पिटल जाके देख लिया, हमने कब्रिस्तान मुख्तलिफ मुख्तलिफ कब्रिस्तान में जाके तस्वीरें दिखा के गोरखन से इंटरव्यू करके, पुलिस FIR कट गई, केसेस हो गए, सब कुछ हो गया, ढूंढने की कोशिश कर ली, कुछ भी नहीं पता चला, और आज से 20-30 साल हो चुके हैं। मैंने जो स्टोरी सुनी थी जिन्हें बताई थी, डॉक्टर साहब आपकी आवाज कम आ रही है। मैंने जो स्टोरी सुनी थी मैं लाहौर के एस्पेक्ट से सुनी थी, और ये कोई दादी अपने भाई के बारे में बता रही, ये भी भाई के बारे में बता रही थी कोई, आई थिंक ये वही दादी है। नहीं खैर इसकी एक्टिवेशन की स्टोरी ये थी कि इनका जो पोता था वो छत पे फोन पे बातें कर रहा था, तो दादी इस चीज से ट्रिगर हो गई कि ये छत पे अकेले किससे बातें कर रहा है, तो वो भाग के ऊपर गई उसको पकड़, तो वो वहां से फिर ये पूरा एपिसोड ट्रिगर हुआ कि भाई ये आखिर छत पे जाने पे इतना पैनिक क्यों हो गई और ये बातें करने पे इतना पैनिक क्यों हुई, तो वहां से क्योंकि उनकी उसकी हिस्ट्री थी, काम एक हिस्ट्री थी। चलिए डॉक्टर साहब अब आप अभी आप अपना वाक्य रोके ना, अब हम जरा जरा कंटेंट हल्के हल्के करके देंगे ना, हल्के हल्के करके ऐसा सारा थोड़ी दे देंगे एक साथ। डॉक्टर साहब अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, और फराज, फराज ने हमें ज्वाइन किया है। फराज अगर आपको आवाज आ रही है, अस्सलाम वालेकुम फराज। वालेकुम अस्सलाम मिनाज, कैसे हैं, आवाज आ रही है आपको क्लियर? जी बिल्कुल आवाज आ रही है क्लियर। कैसे हैं आप, ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक आपको भी, ईद मुबारक सलमान डॉक्टर सोलंगी साहब को भी, ईद मुबारक। कैसे हैं आप, ठीक है? अल्लाह मिनाज, मैं एक छोटा सा अपना पुराना एक किस्सा बयान करने आया था। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे कि मैं अपना एक इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि मैं किसी वक्त में, मिनाज भाई को तो पता है, किसी वक्त में मैं गोस्ट हंटिंग का एक रीड इन्वेस्टिगेटर भी रह चुका हूँ। सही, तो उसकी बातें तो अलग है, लेकिन मेरे साथ भी एक किस्सा हुआ था, तो मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ बातें हो रही थी तो मैं भी अपना एक किस्सा बयान कर दूँ। बिल्कुल बताइए। गुज्जर खान के नज़दीक कोई पंजाब साइड में कोई एक गांव है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ मुझे एक सैयद फैमिली थी जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया हुआ था। तो ये पर्सनली मेरे साथ अपने साथ एक वाक्य हुआ था जिस पे मुझे उस वक्त मतलब इन चीज़ों पर बिलीव नहीं होता था, काफ़ी पुरानी बात है ये, आई डोंट नो द ईयर, काफ़ी पुरानी बात है। उसमें हुआ ये था कि वो एक सैयद फैमिली थी और उनका एक जो बड़ा भाई था उनका, मतलब जिस फैमिली में हम लोग गए थे, फैमिली टर्म्स थे हमारे बाय द वे, तो वो उनका घर जो था एक मतलब वो पूरा एक फॉरेस्ट टाइप का एक उनका इलाका था जिसमें उनकी खेती बाड़ी हर चीज़ मतलब वहीं पे ही उनका सब कुछ होता था। मतलब मुझे वो सही तरह उस गांव का नाम याद नहीं आ रहा था, वो गुज्जर खान वगैरह के साथ ही आसपास कहीं था। तो खैर उन्होंने काफ़ी रात की कुछ अनहोनी बातें बता रहे थे, मतलब जो अनकही मैंने उस वक्त मुझे इस तरह की लगती थी बातें, और इस तरह भी कहते थे वहाँ पे कोई एक पीर वगैरह की कब्र थी जिसके लिए वो कहते थे कि रात को यहाँ पे शेर आता है और वो दुम से सफाई करके चला जाता है, जो मुझे एक मतलब ऐसी बातें मतलब वो उस पर बिलीव नहीं होता था इन चीज़ों के ऊपर। तो खैर हुआ ये कि उनके चचा जो थे जिनके यहाँ हम जो रह रहे थे वो कोई जिन्नात और मोहक्कल के वो मतलब जो है काम ऐसा कुछ करते थे, वो तावीज़ वगैरह का काम उनका चलता था। वो एक गार भी दिखाई गई थी जहाँ पे वो काम करते थे ये, लेकिन उनके साथ मुलाकात नहीं हुई थी। तो खैर जब उनके बड़े भाई से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि यार इसको जो है ना आप लोग बाहर जो है ना स्टे करवाना और कोशिश करना कि मतलब ये ऊपर ना सोए। ऊपर से मुराद मुझे समझ नहीं आई उस वक्त, लेकिन वो बाद में बात पता चला था कि उन्होंने कहा कि चटाई जो होती है, चारपाई जो होती है, कि वहां ना सोए, ये जमीन पे सोए तो ज्यादा बेहतर है। ये किस्सा मुझे उस वक्त समझ नहीं आया, मगरिब के वक्त उनके बड़े भाई से मुलाकात हुई थी, उन्होंने ये मुझे बोल दिया। लेकिन हुआ ये कि सर्द रातें थी तो अब उन्होंने मुझे जो उनके भाई थे जो मेरे फ्रेंड्स थे और उस तरह उनके साथ गपशप हो रही थी और लूडो वगैरह हम लोग खेल रहे थे रात को, तो उन्होंने उसी रूम पे ही मुझे चारपाई पे सारा कुछ निज़ाम करके दे दिया कि भाई ये रात को इधर गपशप चल रही है तो इधर ही सो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और हमारा सोने का मूड था नहीं वैसे। अब वो एक मतलब यूँ समझो कि उनके घर से थोड़ा 2-4 कदम आगे एक छोटा सा रूम था जहाँ पे हम लोग चार लड़के जो थे वहाँ पे मौजूद थे, और
लूडो वगैरह चल रहा है हमारा, हम लोग खेल रहे हैं, गपशप चल रही है, जिन्नात की बातें चल रही हैं, और वो वहाँ के कुछ वाक्यात बता रहे थे जो कि मुझे उस वक्त बिलीव नहीं होते थे, मतलब उस पर यकीन नहीं होता था। तो खैर सोने का टाइम आया, सर्द इतनी मतलब सर्दी वहाँ पे बढ़ती गई, और मुझे इन्होंने रज़ाइयाँ दी थी दो, क्योंकि मैं बाय द वे मैं खुद बेसिकली सखर से हूँ, और यहाँ पे जो है खुश्क ठंड होती है वो हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। कराची के मेरे दोस्त जो हमारा आना जाना है, तो कराची के दोस्त जो है सखर की यहाँ की ठंड बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन वहाँ की ठंड जो थी वो मुझे दो रज़ाइयों में भी जो है ना मतलब बेयर नहीं कर पा रहा था। मैं उनको कहता यार कुछ और भी है तो दे दो, कंबल वगैरह अरेंज कर दो, तो उन्होंने कंबल अरेंज किया। अब रात का 1 बज रहा था उस वक्त, और 1 बजे जो है ये लोग सो चुके थे, और मैं दाहिनी तरफ अपनी जो है राइट हैंड पे मैं करवट लेके सो रहा था, और मेरे मतलब लेफ्ट हैंड पे जो है ना वो एक खिड़की थी जहाँ के लिए इन्होंने बोला था कि इधर आगे खिड़की खोलेंगे तो वो उसका कोई उसकी मज़ार है या कुछ है उस पीर का जहाँ पे, वो किस्सा मेरे जहन में घूम रहा था उस वक्त। तो तकरीबन अब टाइम मुझे नहीं पता, 1 बजे के बाद जो है मुझे ऐसा फील हुआ कि अच्छा वहाँ का जो सन्नाटा था ना वो हमारे सखर के जो राहत है ना उससे भी बड़ा मतलब भयानक सन्नाटा होता है। मतलब कराची में तो जो है ना शोरगुल की वजह से इतना सुनाई नहीं दे रहा होता, लेकिन वहाँ का सन्नाटा ऐसा था कि पिन ड्रॉप साइलेंट थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं सुनाई दे रहा था बाहर से, मतलब सखर में एटलीस्ट कहीं ना कहीं से आवाज़ आ जाती है, वो बिल्कुल सन्नाटा था वहाँ पे। मैंने कहा कि चिंद परिंदे उनकी तो आवाज़ आए, कुछ भी नहीं था ऐसा। तो अब हुआ ये कि जो खिड़की थी वहाँ पे मुझे आप यकीन करो मिनाज के लिटरली ऐसा लगा कि कोई बड़ी सी चीज़ जैसे होती है, मतलब कोई बड़ा परिंदा जो है वो पर फैलाए उड़ता हुआ आ रहा है, ऐसा बकायदा फील हुआ। अब उस पर डॉक्टर सोलंगी भी थोड़ा बहुत गौर करेंगे कि वो मुझे ऐसा लगा कि जैसे उकाब नहीं होता बड़ा, मतलब कोई ऐसा ऐसी चीज़ मुझे लगी बड़ा कि कोई परिंदा। उड़ती हुई, हाँ पर फैलाती हुई आई है और आके खिड़की पे बैठी है, जो खिड़की बंद थी बाय द वे, लेकिन मैं उसके ऑपोजिट की तरफ करवट लेके सो रहा था। और उस वक्त मुझे ये फील हुआ कि अब वो खिड़की पे आके बैठ गई है वो चीज़ जो भी है, अब आई थॉट के अब कुछ होने वाला है। और हुआ ये कि एक आवाज़ आई, और आवाज़ वो थी एक जो आउल होता है ना आउल, उसका एक मतलब उसकी वॉइस थी। तो वो वहाँ मुझे क्लियर हो गया कि यार ये कोई बड़ा सा उल्लू है जो आके बैठा है यहाँ पे खिड़की पे। अब आप यकीन करो कि राइट हैंड पे मैं देख रहा हूँ इन सबको, ये सो रहे हैं ठीक है, और लेफ्ट हैंड पे मेरे कोई नहीं है, वो खिड़की है। और ऑल ऑफ सडन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लेफ्ट जो मेरा पैर है वो जैसे भारी होता जा रहा है, और इस तरह फीलिंग आई कि ये भारी होता हुआ कंप्लीटली मेरी थाइज और मेरी बॉडी के ऊपर पूरा, मतलब एक ऐसा सीन लग रहा था कि कोई ऊपर आके मेरे लेट गया है जैसे। अब मैं सामने देख रहा हूँ वो चारों सो रहे हैं, मैं ये भी फील कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर कोई चीज़ आ चुकी है, और ना मुझसे आप यकीन करें मुझसे कोई सूरत क्या मुझसे कलमा नहीं पढ़ा जा रहा था, कुछ भी नहीं पढ़ा जा रहा था उस वक्त। हलक मेरा खुश्क हो चुका था और लेफ्ट हैंड मेरा बिल्कुल भारी हो चुका था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा अपना ही लेफ्ट हैंड इतना भारी है कि मेरी बॉडी के ऊपर इतना वो भारीपन में आ चुका है कि अब मैं मुझे फील नहीं हो रहा है कि मैं इसको मूव कर पाऊँ अपने हाथ को और अपनी बॉडी को लेफ्ट हैंड पे। अच्छा उनमें से एक लड़का था जिसका नाम था अली ठीक है। अब हुआ ये कि मैं जितना कलमा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ या कुछ विर्द करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार कुछ हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि यार कोई चीज़ आ गई है मेरे ऊपर आ चुकी है। तो अब मैंने कहा कि यार कुछ नहीं हो पा रहा तो मैं एटलीस्ट अल्लाह जो है मेरे मुंह से निकल जाए। तो वो अल्लाह के बजाय कोई अनइंटेंशनली मेरे मुंह से अली निकल गया, जो सामने लड़का सो रहा था तो अली से वो उड़ गया, वो उसका नाम आ गया ऐसा। तो वो उठ गया है, और उस वक्त मुझे मतलब पता नहीं चला है कि क्या हुआ है, बस बाद में मुझे ये फील हुआ कि ये लोग सब मेरे ऊपर साथ में बैठे हुए हैं और हर कोई क्या कर रहा है, मेरे एक लड़का मेरे सर पे उसने हाथ रखा हुआ है, सूरह फातिहा पढ़ रहा है, कोई आयतुल कुर्सी पढ़ रहा है, और अली जो है उसका बड़ा भाई भी आया हुआ है, अली जो है वो भी बैठा हुआ है मेरे हाथ को वो कर रहे हैं मालिश कर रहे हैं लेफ्ट हैंड पे, और जो बड़ा भाई है उनको डांट रहा है कि यार मैंने मना किया था कि इसको ऊपर नहीं सुलाना, इसको ऊपर नहीं सुलाना,
मैंने तुम लोगों को मना किया था, ये हम में से नहीं है, ऊपर नहीं सुलाना इसको, ये बातें चल रही थी। और आप यकीन करो मेरा लेफ्ट हैंड जो है वो पूरा जो है इसकी नर्व्स जो है ना वो फूली हुई थी कम्प्लीटली। और जैसे नहीं आप अगर प्रेस कर दो ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाए या कुछ इस तरह की एक फीलिंग थी। और ये चीज़ हुई थी जो कि मेरे साथ रात एक वाकया वहाँ पे हुआ था। और इसके बाद मुसलसल मेरे साथ ये हुआ कि वहाँ से तो मैं जा चुका था फिर, मतलब मैं सुबह सुबह उठा हूँ तो मैंने पहली फुर्सत में मैं कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ निकला हूँ अपने दोस्त, मैंने कहा भाई तेरे पास रूम है तो मुझे लीगल किसी तरफ अभी वहाँ पे ठहरा दे, मैं यहाँ नहीं रुकने वाला, इस जगह नहीं रुकने वाला। तो मैं भागा हूँ कायदे आज़म यूनिवर्सिटी और वहाँ पे जाके दूसरे दोस्त के साथ स्टे किया है। लेकिन उसके बाद से वक्तन फ़क्तन मेरे लेफ्ट हैंड में ये प्रॉब्लम चलती आई थी। फिर हमारा एक दोस्त है जो हमारे इस शो में भी साथ होता था, वो हाफिज़ुल कुरान है, उसने मुझे जो है कोई पढ़ाई करके मेरे लेफ्ट हैंड पे जो है और वो कहता था कि इसको ढक के रखा करो, मतलब ढाँप के रखा करो इस लेफ्ट हैंड को, गर्म रखा करो, मालिश करता था और कोई पढ़ाई करके और छोड़ देता था। ये मुसलसल मेरे साथ हुआ था कि सब। लेकिन इस जो ये इन्वेस्टिगेशन का शो है इससे पहले की बात है ये मिनाज भाई, इससे पहले की बात है, ये काफी पुरानी बात है। तो ये हुआ था सिलसिला मेरे साथ। वैसे भी ये गर्म करके हाथ के ऊपर रखना जो है ना वो तो मुझे ऐसे थेरेप्यूटिक लग रहा है, क्योंकि नर्व की बात कर रहे हैं तो वो नर्व जो होती है ना वो सूज जाती है, तो जो सूजन होती है उसको थोड़ा मस्कुलर एंगल से उसको बेहतर करने का है। लेकिन ये एक तरीके से मैंने स्टोरी सुनी भी है, लेकिन मजे की बात ये है कि जगह का नाम ही बता रहा, लेकिन एक सोफा था एक कंपनी में, और उस सोफे की खासियत ये थी कि आप उस पर बैठ जाओ थोड़ी सी बातें कर लो, लेकिन आप वहां पे लेट से लेट गए या सोने की कोशिश कर रहे हैं या कोई फालतू काम कर रहे हैं, तो वो वहां पे ऑटोमेटिकली आपको जो था एक धक्का पड़ता था या जूता पड़ता था, या इवन ऐसे केसेस भी आए कि उस सोफे पे कोई साहब जो थे वो मतलब आके लेट गए और आंख लग गई उनकी, तो उनकी आंख खुली तो उनका कोई गला दबा रहा था जो कि दिख नहीं रहा था। तो ये कुछ उस टेंजेंट पे मुझे चीज लग रही है कि लेट से कि आप जिस जगह पे ऊपर सोने की वो बातें कर रहे थे, तो इनको पता था कि भाई उस जगह का या उस खास पोजीशन के ऊपर किसी को कुछ एतराज है। है, एतराज है कि भाई ये घर के लोग तो रह लें, कोई बाहर का बंदा ना आए। तो सिमिलरली जिस तरह मैं जिस इदारे की बात बता रहा हूँ तो उसमें भी यही है कि भाई आस पड़ोस के जो लोग हैं वो तो बैठ गए हैं वो खैर है, लेकिन वो अगर कोई बाहर का एक्स्ट्रा बंदा ना, आता है या उस पर बैठता है लेटता है तो उसको सीधा जूता पड़ता है, कि वो अलाउड नहीं है, दे डोंट वांट अ न्यू पर्सन कि वो वहां पे बैठ के कुछ करे। तो वो तो थोड़ा सा टेरिटोरियल मसला ये लग रहा है। आपके साथ बजाते खुद इसलिए हुआ क्योंकि आप उनकी टेरिटरी में घुस गए, वैसे तो इतना बड़ा इशू नहीं, घर वाला कोई होता तो मेरे ख्याल इतना बड़ा मसला होता ही नहीं। हाँ यही बात थी, यही बात थी जो कि मुझे बाद में ये चीज समझ आई। उसने कहा आपको परिंदे की सूरत में आप बाघ नहीं आए, तो उसने फिर काम जो है ना वो दूसरे लेवल पे चला गया। चलें, थैंक यू फराज, बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया, मिराज, थैंक थैंक यू, यू, थैंक थैंक यू, अपना यू, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह भाई सॉरी, क्योंकि वो मेरा अचानक से जो है ना इंटरनेट पता नहीं क्या हुआ, रीस्टार्ट खुद ब खुद ही हो गया। डॉक्टर साहब ये लाइफ। आपके साथ, वैसे डॉक्टर साहब एक बात बताएं, ये मेरे हाँ साथ तो बड़ा कॉमन है, आपके साथ होता है ये स्पेशली ये हॉरर शो और ये स्टोरीज और ये करते वक्त कुछ इस तरह के मिसहैप्स होते हैं? यार, वियर्ड चीजें तो होती हैं, और मैंने तो शायद वो कई दफा बताया भी है कि मेरे साथ ये हो चुका है कि कभी कोई हंस रहा है तो कभी कोई गेट खटखटा रहा है, नॉक कर रहा है, टक 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 करके, ये 2-3 दफा इंसिडेंट मेरे साथ हो चुका है रिकॉर्डिंग ये रिकॉर्डिंग करते वक्त करते वक्त। खासकर ये जब मैं शुरू स्टार्ट किया था तो फोकस मेरा होता था कि मैं 3 बजे जो है रात को 1 बजे रिकॉर्डिंग करूंगा, दो खामोशी ढाई होगी। बजे हाँ फारिग होगा उसको, मतलब वीडियो को रेंडर वेंडर करके और मैं डाल दूंगा सीधा सीधा अपलोड पे। तो 2:30-3 बजे के करीब ये जो मैं काम करता था उसको मैंने, अक्सर ये होता था कि कोई कुछ ना कुछ तफरी जरूर होती थी कि तो कोई हंस और रहा है। इस घर नहीं में आपके वैसे कुछ आपको कभी फील होते, ये इसी घर में ही आप इसी घर में रह रहे हैं ना बहुत सालों से? मैं तो इस घर में रह रहा हूँ, लेकिन ये वो घर नहीं है, खासकर जो अपार्टमेंट में हम रहते थे यहाँ सबसे ज्यादा इश्यूज थे, वो अल्लाह का शुक्र है कि वो आ नहीं है यहाँ पे। बस इस तरह हल्की फुल्की हरकतें हुई हैं कि कभी किसी ने नॉक कर दिया या
और वो भी मैंने हमेशा यही सोचा है कि ये जो मैं इतनी ज्यादा हॉरर कंजम्पशन कर रहा होता हूँ, ये बातें कर रहा होता हूँ, तो उसका एक साइड इफेक्ट होता है कि वो भी आके बताते हैं, हाँ भाई मैं भी यहाँ पे हूँ। तो बहरहाल निकले नेट जो है वो फिर आपका टक गया। चले खैर, इस बात पे क्या कहते हैं, जो साहब स्टोरी सुना रहे थे, तो मैं बात कट गई थी इससे पहले जब हम बातें कर रहे थे कि वो छत पे से बंदा गायब हो गया। तो इसी तरह की मैंने एक लेटेस्ट स्टोरी की थी जिसमें एक और सॉरी डॉक्टर दादी। साहब, हाँ वापस आ गया जी, मैं। वापस आ गए, दो दो दफा आ गए आप, अब एक दफा आ गए, अब फिर दो दफा आ एक गए। दफा गया, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है अभी, पता नहीं है। खैर, आप वो बता रहे थे कि आप इसी घर में ही हैं काफी सालों से, या ये अभी रिसेंट टाइम में शिफ्ट हुए इधर आप? ये तो 2014 से हमारे इस घर में, तो इसमें तो अल्लाह का करम है, कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये वीडियोस बनाते हुए कभी कोई नॉक करके चला गया या कभी कोई हंस के चला गया, ये हुआ है। रिकॉर्डिंग और वो आपकी रिकॉर्डिंग में आई आवाज पीछे? में हंसने वाली शायद आवाज मिल जाएगी, मेरे ख्याल एपिसोड 32 है या 36 है, अब तो मुझे नंबर भी याद नहीं है, उसमें हल्की सी बहुत आएगी और वो बिल्कुल एकदम से आएगी ही करके बंद, ऐसे आवाज होगी। आप पहले फिर उसमें समझ में नहीं आएगा, आप बिल्कुल हेडफोन लगा के फुल आवाज करके सुने, तब जाके आपको समझ में आएगा कोई एकदम से हंसते हुए चुप हो गया, तो वो आ जाती है। बाकी वो जो नॉकिंग की साउंड है वो नहीं आई, वो इत्तेफाक है कि मैंने रिकॉर्डिंग शुरू नहीं की थी, उस वक्त नॉक हो रहा था, जब जाके चेक किया तो कोई नहीं, फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने बैठे, फिर वो नॉकिंग हुई, फिर गए, मतलब ये वाला गेम था, तो वो तो आपको रिकॉर्डिंग ये करने गए। लगता है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि जब आप बातें कर रहे होते हैं जिन्नात की, भूतों की, तो ये आ जाते हैं करीब करीब में? हे हे, डॉक्टर साहब हमारे बारे में बात कर रहे हैं, वाओ। मेरा जो इस पर ओपिनियन है वो ये है कि देखें, ये चीज तो अंडरस्टूड है कि वो हर जगह है, हमें नजर नहीं आती, और वो हमारी भलाई के लिए नजर नहीं आता, अगर नजर आने लग गए तो फिर तो पैर रखने की जगह नहीं है, ये कहा जाता है। अब जिस तरह हम लोग है ना, गाड़ी पे जा रहे हैं, चार लड़के खड़े हुए, मुंह बाहर निकाल के कोई आवाज कस के चले गए और गंजे बोलते हुए निकल गए, इसी तरह जो भी सिलसिला है वो, हम यहाँ बैठे हुए बातें किए जा रहे हैं, तो वो एक किसी एक को जो है ना वो मस्ती शरारत चढ़ाई सूझी। उसके हाँ, बाद काम करवाई करके चला जाएगा, तो और कभी ये आपको ऐसा सब फील हुआ कि ये जब से आपने जिन स्टोरीज और हॉरर स्टोरीज शुरू किए, तो आपके जिंदगी में जो आपके मसले मसाइल थे वो बढ़ गए हैं, या कोई काम है जो रुकना शुरू हो गए हैं, जो बड़े आसान थी पहले जिंदगी में चीजें, वो मुश्किल होना शुरू हुई हैं, कुछ ऐसा आता है कभी कभी? मैं मेरा देखें रीजन बीइंग के मैं कोई प्रैक्टिस थोड़ी कर रहा हूँ, कोई ब्लैक मैजिक थोड़ी कर रहा हूँ, जस्ट टॉकिंग अबाउट स्टोरीज, ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा ऐसा कुछ है। हाँ अलबत्ता बहुत सारे लोग डर जाते हैं, फिर बात करना आपसे बंद कर देते हैं, आपके साथ भी हुआ होगा कि यार ये बंदा आता है, कोई कोई बातें करो उससे, कोई ऐसी कहानियां सुनाता है, हम भाग जाते हैं फिर वो, तो ये जरूर हुआ है, लेकिन इस तरह का कभी कुछ फीलिंग नहीं आई कि आपकी काम में रुकावटें आ रही हैं या इस तरह का सिलसिला हो रहा है, ये तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप एक कहानी बताते बताते रुक गए थे, हमने आपको रोक दिया था, तो आप एक कहानी सुनाने वाले थे, क्या अब वो उसी थी से वो कहानी? पतों वाली कहानी जो हमारी चल रही, तो उसी तरह के भी एक रिसेंट मैंने की थी, इसमें एक खातून है, वो अपने बच्चे के साथ जिस तरह खेल रहे होते हैं, छोटे बच्चे 1 साल 6 महीने के बच्चे होते हैं, तो उनके साथ खेल रहे होते हैं, तरह तरह की लोग बातें करते हैं कि भाई अल्लाह बाबा आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उसी पर एक स्टोरी थी कि एक खातून थी, उनका वही छोटा बच्चा था, वो तंग कर रहा था, रो रहा था, तो वो उसको ऐसे ही जिस तरह लोग उठा लेते हैं, हल्का सा उछालते हैं थोड़ी और आवाज बातें, आपकी अच्छा हल्की हो रही है, जरा करीब आ जाए माइक से। करीब आ जाते हैं आप, तो हाँ, वो वक्त उन्होंने के साथ क्या साथ आप किया, बिल्कुल लेटते जा रहे थे, लेजी बॉय होते जा रहे थे, होते जाते, ये होते जा रहे। हाँ हाँ रिलैक्स होते जा रहे हैं बिल्कुल ही, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कभी कभी जो है ना पॉडकास्ट बंदा लेट जाए और फिर वो लेटने वाली उस चेयर पे आराम से लगा रहे, जैसे तो कंफर्टेबल हो वैसे करें आप। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि वो स्टोरी यही थी कि वो एक खातून अपने बच्चे के साथ अपने बरामदे में खेल रही थी, शाम का टाइम था और वो बच्चा रो रहा था, तो उसको थोड़ा सा उछाला, उससे थोड़ी सी बातें की, और ऐसे ही जिस तरह बच्चों को कहते हैं ना अल्लाह बाबा आ जाएगा, अल्लाह बाबा आ जाएगा, इस तरह करके, और ऐसे ही उन्होंने बोला ये बच्चा तंग कर रहा है, अल्लाह बाबा इसको ले जाओ, तो जो दादी थी बच्चे की यानी ये उनकी जो खास थी खातून,
वो बाहर जो आ गई है, उन्होंने बड़ा डांटा और उन खातून को कहा कि तुम कैसी बातें कर रही हो उस बच्चे से, ऐसी आइंदा नहीं करना, और खुले आसमान के नीचे कभी ऐसी बात नहीं है। तो अब वो पर जरा ठीक ठाक डांट दिया, तो मैंने अपने शौहर को बोला शाम रात में जब वो आए कि भाई आपकी अम्मा ने मुझे इतनी सुनाई है और ऐसा ऐसा सुनाया है, तो आपको पता है इस तरह के मामलात में घर में झगड़े वगड़े शुरू। अब वो रात में बेटे ने जाके ऑब्वियसली अपनी अम्मा से पूछा कि भाई इसको काहे को डांट दिया इतना ज्यादा, कि बरांडे में बच्चे के साथ ऐसी बातें नहीं करना, अल्लाह बाबा और फलाना फलाना। तो उन्होंने फिर एक स्टोरी अपने बेटे को सुनाई कि वो जब छोटी थी और उनकी जब ग्रैंड मतलब उनकी जब अम्मा जिंदा थी और ये बिल्कुल कोई 6-8 साल की थी, तो उनका एक छोटा भाई था ऐसे ही 6-8 महीने का, तो सिमिलर सर्कमस्टांसेस में उनकी अम्मा जो थी वो मगरिब के टाइम बरांडे में उसको लेके बैठी नहीं थी, और वो ऐसी बात तंग कर रहा था, रो रहा था, तो वो ऐसी उछालते हुए उससे बात करते करते बोलनी थी, बार बार रिपीट कर रही थी बाबा इसको ले जा, बाबा इसको ले जा करके, और उन्होंने हल्का सा उसको मतलब जिस तरह बच्चे को छालते उछाला, और वो बच्चा उनके आंखों के सामने गायब हो गया। वो चिल्लाने लगी जी बिल्कुल गायब, और फिर वो शोहर आए और सब कुछ आया और सारी बातचीत वो हुई, और फिर वो मोहल्ले के कारी साहब भी आ गए, सब इन्वॉल्व हो गए, पुलिस भी आ गई, बच्चे का कोई नामो निशान नहीं। तो इसी मोहल्ले के जो कारी साहब थे, जो उस बंदे ने आपको बोली ना स्टोरी, उसने यही कहा कि कोई चीज आसमान से गुजर रही थी और जब आप बार बार ये इसको उछाले जा रही थी और बोल रही थी कि इसको ले जा बाबा इसको ले जा, तो वो इंसाइट हुआ, वो समझा कि वो उससे मुखातिब होके कह रही है कि इस बच्चे को लेके जाओ, और वो बच्चे को ले गया। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है डेविड बोई की कहानी चल रही है, लेबरिंथ। ऐसा ही है, आपने देखी है लेबरिंथ? वैसे देखी थी बहुत पहले बचपन में, अगर किसी ने नहीं देखी हुई तो जरूर देखे, आज के टाइम पे भी आपको वो इतनी जबरदस्त लगेगी, इतनी जबरदस्त के मैं क्या बताऊं, मेरी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म में से है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, अब मैं जो ना कुछ मेरे पास ईमेल्स आई हुई हैं जो कि मुझे पढ़ना जरूरी है, वरना ऐसा ना हो कि मेरा आज आखिरी दिन हो, फिर आप मेरे सारे लिसनर्स आप ले जाएंगे, और ऐसा तो हम होने नहीं देंगे आपको कि आप ज्यादा हमारे लिसनर ले जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता है डॉक्टर साहब, इतनी जेलिसी तो है ना हमारी आपस में। अच्छा तो बढ़ते हैं हम अपनी एक ईमेल की तरफ और देखते हैं कि भाई क्या है ईमेल। डॉक्टर साहब आप भी सुनिएगा गौर से। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, आज ये वाकया मेरी एक दोस्त का है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी ये दोस्त बहरीन में अमवाज आइलैंड्स में रहती हैं। आपको थोड़ा अमवाज आइलैंड्स का बता दूं कि ये मैन मेड आइलैंड्स हैं, और जैसा कि बीइंग मुस्लिम हम जानते हैं कि जिन्नात समंदर पहाड़ों और जंगलात में रहते हैं, तो अब बहरीन में समंदर के अंदर आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने के बाद इस एरिया में बहुत से इंसिडेंट्स होने लगे। स्पेशली वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स ने एक ऐसा देखा है कि अचानक कहीं से कोई शख्स आएगा और जैसे ही गार्ड्स अपने केबिन से निकल के उसको क्वेश्चन करने आएंगे तो वो एकदम से गायब हो जाता। मेरी दोस्त के साथ अभी कुछ ही दिन पहले बहुत स्केरी इंसिडेंट हुआ। वो बताती है कि रमजान में वो अपने भाई के घर से लेट नाइट वापस अपने घर आ रही थी, तकरीबन रात के 2:30 या 3 बजे का वक्त था, और गाड़ी में उसकी बेटी और बेटा भी मौजूद थे। रास्ते में कुछ विलास के बीच एक छोटा सा गार्डन था और उनके बीच में एक दो स्विंग्स लगे हुए थे। मेरी दोस्त ने ड्राइव करते हुए अपने बच्चों से कहा कि देखो कितना प्यारा गार्डन है, तो जैसे भी बच्चों ने उस तरफ देखा उनकी बेटी ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया और बेटे ने भी डर के रोना शुरू कर दिया। इसमें मेरी दोस्त बहुत घबरा गई कि एकदम से ये क्या हुआ। उन्होंने गाड़ी रोककर बेटी को पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि मामा आपने देखा नहीं, उस तरफ दरख्त के पीछे एक लंबा सा काला शैडो हमारी तरफ भागता हुआ आया है, और उसके बेटे ने भी कहा कि हाँ
उसने भी देखा है सेम वैसे ही शैडो। दोनों बच्चे बहुत ज्यादा घबरा गए। ये जल्दी से गाड़ी चलाकर घर वापस आ गई। घर वापस आके भी दोनों बच्चे शिवर कर रहे थे और बहुत खौफजदा थे। फिर मेरी दोस्त ने अपनी वालदा से जिक्र किया तो उन्होंने बच्चों पे दुआएं आयतों का दम किया तो वो कुछ बेहतर हुए, लेकिन काफी दिन तक दोनों ट्रॉमा में रहे। मेरी दोस्त कहती है कि शायद वो चीज हमें डरा रही थी कि इतनी लेट नाइट घर से बाहर क्यों हो, और वो बताती हैं कि कुछ ही दिन बाद उस जगह से स्विंग्स वगैरह भी उतार दिए गए और वहां जाने से भी मना करते हैं अब। जी डॉक्टर साहब, ये अमवाज आइलैंड्स आपने कभी सुना इनके बारे में? नहीं, मैंने अमवाज आइलैंड्स के बारे में सुना है। मेरा पोज आपने देखा, मैंने क्लियोपेट्रा वाला मारा हुआ था। गलत टाइम पे मैंने आपको स्ट्रीम पे ऐड कर दिया। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि मैन मेड चीज है, तो आपको तो नहीं पता ना वहाँ क्या चीज रह गई, आप उसके घर पे कब्जा कर रहे हो। अब इसी तरह की एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। ये खैर एक ट्रेवल ग्रुप ने मुझे बताई है, फार नाम का एक बंदा है, बाइकर, बाइक बॉयज नहीं है आजकल, बड़े ग्रुप्स हैं जो बाइक्स लेके जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि एक जगह इन लोगों ने डिस्कवर की थी, उसका नाम था छोटा चुटू। एक बड़ी मशहूर जगह है मौला चुटू, उसी तरह का ये ऑफशूट है छोटा चुटू। सही। तो बकौल इनके कि ये वन ऑफ द पायनियर्स, मतलब ये वो लोग हैं शुरू शुरू में जिन लोगों ने ये जगह डिस्कवर की है, पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। इससे पहले लोग जाते नहीं थे। तो ऑब्वियसली एक अब आउटलुक क्या है, एक वीरान जगह है बलूचिस्तान में, उसके बीच में एक मैदान के बीच में एक पहाड़ है, पहाड़ के बीच में दरारें, उन दरारों के थ्रू आप एंटर होंगे तो एक आबशार की बनेगी। बिल्कुल, वो है बेसिकली नेचुरल स्प्रिंग है, दैट दिस इज द होल अट्रैक्शन। तो इन लोगों ने बाइक पे ऊपर सफर करते हुए कराची से गए, और इन लोगों ने जाके जब वो जगह देखी तो मगरिब के करीब ये लोग वहां पहुंचे थे। तो नोटिस सबसे पहले इन्होंने ये चीज की कि वो सारा तो देख लिए कि पानी खानी है, लेकिन जब बाहर मैदान की तरफ वापस आ रहे तो ये नोट किए कि पहाड़ के ऊपर टॉप पे एक चराहा जो है वो कुछ जानवर लेके दूसरी तरफ उतर रहा है। तो जो लीडर थे इस ग्रुप के, उन्होंने सोचा कि चलो अच्छी बात है कि कोई करीब में गांव होगा कि हम सुबह कोई नाश्ते को कुछ खाने को हमें मिल जाएगा। अदरवाइज तो ये लोग तो बाइक पे सिर्फ थोड़ा बहुत सामान लेके आए थे, पानी वानी, तो वो एज सच कोई खाने की प्रॉपर चीज नहीं थी। तो ये रात को बहरहाल कैंप वैम्प लगाया अपना, वो सो गए। सुबह उठे, अतराफ में देखा कोई गांव नजर नहीं आया, फिर ये ऊपर चढ़ गए पहाड़ पे। ये यार वो बंदा हमने कल देखा था वो दूसरी तरफ उतरा, कुछ तो होगा। अब ये पहाड़ के ऊपर चढ़ के देखते हैं कि चारों तरफ सिर्फ मैदान ही मैदान है, कोई गांव भूचा कुछ नहीं। बहरहाल एक लालच भी होती है कि आपने एक नई जगह डिस्कवर कर ली है और हम लोगों को बताएंगे कि ये जगह हमने डिस्कवर की है और हम आपको भी टूर पे लेते आएंगे, ऑब्वियसली प्रीमियम कमाएंगे, पैसे कमाएंगे। तो ये लोग वापस कराची चले गए और इसको इन लोगों ने एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया कि ऐसी जगह है और फला जगह है और इधर कोई अभी तक नहीं आया। क्योंकि आपको भी पता है कि जो टूरिस्ट स्पॉट्स है जो वहां रश बहुत होता है तो लोग थोड़ा इंजॉय नहीं कर पाते। अब इस जगह के जैसे ही मिलने पे इन्होंने एडवर्टाइज किया तो इनको एक कराची के थोड़े पॉश इलाके से ग्रुप ने, फैमिली थी, उसने अप्रोच किया कि हम प्राइवेट एक ग्रुप लेके जाना चाहते हैं, वहाँ फैमिली मेंबर्स और इस तरह के लोग होंगे, तो आप हमें प्लीज यहाँ लेके जाए, हम जाए देखना चाहते हैं ये जगह। तो क्योंकि ये लोग बाइकर ग्रुप थे तो एक हायस्ट कराई गई और वो मिक्स फैमिली, अंदर लड़के लड़कियां इस तरह करके उनको लेके गए और इस कैंपिंग ट्रिप पे इस जगह पे ले गए। अब कहते जी हम पहुंचे तो एज यूजुअल वही मगरिब के करीब का टाइम था, पूरा दिन सुबह सवेरे से ट्रेवल कर रहे थे। हम जाके वहां पे उतारा सबको, कैंप्स लगाए, बॉनफायर जलाई, खाना वाना सर्व किया। ऑब्वियसली ये लड़के बकौल इनके कि हम बाइक्स पे ऑपरेट करते हैं और ये तो सारे हाईएस्ट पे थे तो हम लोग काफी ज्यादा थक चुके थे।
अराउंड 9:30 या 10 बजने वाले थे, तो कह रहे हमारी हसर ऐसा हो चुका था, हम लोगों ने माजरत की और कहा कि अब अंधेरा है और ये जगह ऐसी कि कोई रोशनी नहीं है, खूब अंधेरा है। तो एतराफ पे तो कुछ भी नहीं, तो उन्होंने यही बताया कि अब ये आप टेंट या बॉनफायर वाली कैंपिंग ग्राउंड पे रहिएगा, अगर आपको कोई इस तरह की हाजत हो तो आप यही मैदान में थोड़ा आगे जाइएगा और वहां पे फरागत कर लीजिए, अगर साथ में अपने किसी को लेके जाइए, अकेले मत सही, जाइए, और अगर कोई इमरजेंसी हो तो हमें उठा दिए। अब जनाब ये अपने अपने कैंपों में गए सो गए, इनके साथ इनके ड्राइवर भी जो मतलब हायर चला रहा था वो भी इनका ही अपना बंदा था, वो भी अपना कहीं कैंप था, वो भी जाके लेट गया सो गया बटन। अब ये कहते हैं रात को 12 बज रहा था या 1 बज रहा था, एग्जैक्ट टाइम उसको याद नहीं है, तो नींद में थे शदीद, किसी ने हड़बड़ा के इनको उठाना शुरू किया, और ये जब उठे तो एक आदमी जिसके मतलब हवनक आदमी, बाल खड़े हुए, अजीब हालत हुई हुई, वो इनकी ही ग्रुप का, वो इनको उठ जगा रहा है। अब उसने जब पूछा इस बंदे ने कि भाई तुम मुझे क्यों जगा रहे हो, तो वो सिर्फ इशारा कर रहा है कि वो आबशार की तरफ, वही इशारा किए जा रहा है और इनको कह रहा है चलो चलो चलो। अब ये उठे, इन्हें अपने दो पार्टनर को उठाया और उसने उस ड्राइवर को भी उठाया, और ये तीनों उस लड़के के साथ भागते हुए उन दरारों के बीच में से, उस पहाड़ में से, उस आबशार की तरफ जाने लगे। तो वहां मतलब पहुंचे तो देखा कि खातून पानी के पास खड़ी नहीं, तो अब ये बोलने लगे कि इनको खैरियत नहीं, क्या बिच्छू ने काट लिया, कुछ हो गया है। तो वो खातून कुछ नहीं बोल रही, बस कांप रही। तो इन दोनों से जब पूछा कि भाई हमें यहाँ लाए क्यों, हुआ क्या, तो उन दोनों ने एक साथ इशारा ऊपर पहाड़ की तरफ करने लगे। अब ये कहते हैं जी हमने ऊपर देखा, हमें नजर कुछ नहीं आया, तो हम सबके पास टॉर्चेस थी, हमने टॉर्च ऑन करके जब ऊपर की तरफ मारी तो एक लड़की अजीब खुले हाल बालों में ऊपर बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे बैठी हुई है, टांगे लटका है और कुछ बड़बड़ा रही है जो कि हमें समझ में या आवाज अभी आ नहीं। उसके बाद जब हमने उस पर रोशनी मारी तो उसने जोर जोर से किसी जबान में कुछ बोलना शुरू कर दिया, और वो कहते हैं जी कभी औरत की जबान में, कभी आदमी की जबान में, कभी बच्चे की लहजे में वो बोले आ रही है, और हम उसको हैरानी से देख रहे हैं। अब ये कहते हैं कि जी की हमारी पार्टी की मतलब वही कैंप में ट्रिप की लड़की थी वो, अब वो ऊपर बैठी हुई, और हम परेशान कि ये ऊपर पहुंची कैसे, नीचे जो लोग खड़े हुए हैं उनके मुंह से कोई बात ही नहीं निकल रही, वो बिल्कुल कांप रहे हैं और वो ऊपर बैठ के अजीब बातें कर रही जो हमारे समझ में ना आए, और हमारे जहन में सिर्फ एक ही चीज आ रही है कि कहीं ये मेंटली इल ना हो और ये छलांग ना मार दे, सुसाइड ना कर ले, तो हमारा क्या होगा, हमारा करियर का क्या होगा, जान भी चली जाएगी, और मतलब एक लंबी परेशानी इन लोगों को सवार। अब इनके साथ जो वो ड्राइवर था, बरोही जबान जानता था, मतलब वहीं का लोकल था करीब का, वो थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ा आगे बढ़ा, उसने उसकी बातें सुनना शुरू की गौर से। अब सुनते सुनते उसने उससे कुछ बोलना शुरू कर दिया, अब दोनों वो जो चोटी पे लड़की थी, जी अब वो दोनों बरोई जबान में, और वो भी बकवाल इनके के कोई पुराना स्टाइल जो गांव में बहुत कहीं कहीं मिलता है, उस डायलेक्ट में बात करना शुरू कर दिया उस लड़की से, वो कुछ बोले ये आदमी कोई जवाब दे, और उससे जब हम बात करेंगे तुम इससे क्या बात करें वो जवाब ना दे। अब ये दोनों आपस में बातें किए जा रहे हैं और शदीद बहस जैसे होती है वैसे बातें की जा रही। अब ये कहते हैं जनाब कि उस ड्राइवर ने कुछ उसको ऐसा बोला कि वो लड़की एकदम से पलटी और मकड़ी की तरह पहाड़ से नीचे उतर आई, चारों हाथ पैर पे जमीन पे बिल्कुल मकड़ी की तरह चलती हुई नीचे उतरी, और चलते चलते आके ऐसे उस ड्राइवर के मुंह के सामने आके खड़ी हुई और उसको कुछ बोलने लगी। वो भी थोड़ा सा मतलब हिला, लेकिन वो भी थोड़ा बात करता रहा उससे, और वो हाथों से इशारा करता रहा बस कि चलते रहो, और वो उसको बातें करते 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 कैंप तक ले गया। कैंप वो जहां पे लेके आया तो कुछ बातें और उसने की, तो उसके बाद एकदम से वो लड़की बेहोश होके कैंप के जमीन पे गिरी, और उसने फिर ड्राइवर ने पहली दफा उर्दू में बोला कि इसके हाथ पैर बांधो और जल्दी बांधो। इन लोगों ने हाथ पैर उसके बांधे, उसी ड्राइवर ने फिर फोन लिया, फोन करके लोगों से कुछ बात की, तो पता लगा वो एफसी
जो है वो उस इलाके की, उससे बात कर रहा है और उसको फिर कहा कि भाई तुम्हारी गाड़ी यहाँ से कब निकलेगी, तो उसने बोला फजर में। टाइम उसने देखा, उसने बोला अभी 1-2 घंटा है। और एफसी वालों ने उनको कहा कि अभी हम शहर की तरफ जो निकलती है गाड़ी हमारी अभी नहीं निकलेगी, तो इंतजार करना पड़ेगा। तो उस लड़की को बाकायदा बांधा उसका सामान, और वो जो उनके साथ जो लोग आए हुए थे उनको बोला कि भाई हम इसको सुबह क्वेटा शहर रवाना कर देंगे, वहां से यही एफसी वाले लोग इसे कराची भेज देंगे। बहरहाल 1-2 घंटे के बाद गाड़ी आई, उनको एज इट इज उसमें डाला गया और वो एफसी कोर जो है वो ले गया उसको अपने साथ। उसके बाद जनाब वो जो गैदरिंग थी वो ऑब्वियसली खत्म हो गई, सबको उठाया गया, हायर्स वगैरह गाड़ी में बिठाया गया और सबको बोला वापस कराची करो। अब ये कह रहे हैं ये ग्रुप वाले कि कोई बात आपस में नहीं हो पा रही, हमें समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या। हम वापस आए, लोगों को उनके घर पहुंचा दिया और फिर बाद में जब सब कुछ हो गया तो हम लोग बैठे जाए होटल और हमने बात की कि आखिर ये क्या हुआ था। जिस पे उस ड्राइवर ने फिर बोला कि मैं जिस गांव का हूँ उसके आस पड़ोस में ऐसी बहुत जगह है और अक्सर ऐसा होता है कि हमारे यहाँ किसी के ऊपर कोई चीज हावी हो जाती है तो हम उससे बात करते हैं, हमारे यहाँ ये एक आम तरीका है, हम डरते नहीं। इसके ऊपर इसने कोई काम किया या तो ये वॉशरूम गई थी या कुछ किया जिसकी वजह से इस पे कुछ हावी हो गया, और वो सिर्फ एक ही बात रटे जा रहा था कि मैं उसको अपने साथ लेके जा रहा हूँ, और वो ऊपर पहाड़ी पे उसको लेके चढ़ा चुका था। अब वहीं से ये धक्का देता हाँ, वो उसको। तो भाग दौड़ में जब ये हुआ तो इसने उससे बहस शुरू कर दी कि आप इसको इस हालत में क्यों लेके जा रहे हो, आप इसके कपड़े पड़े हुए हैं, ये फलाना है, इसके पास नए कपड़े हैं, कैप है, उसको वहां लेके जाओ, उसके कपड़े बदलवाओ, फिर लेके जाओ। उसमें बाकायदा उसने आर्गुमेंट किया, काफी देर बहस की, और उस बहस के चक्कर में वो कैंप आई। कैंप में उसने उसको कब्जा उस पर छोड़ा कि ये कपड़े बदलवाएगा आदमी, और हमने इसको बांध के रवाना कर दिया। अब ये कहते हैं ये बात हो गई खत्म, टूर खत्म हो गया, इस लोकेशन को हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया कि हमने इधर दोबारा कभी जाना ही नहीं। नवंबर 2022 जब ये स्टोरी मुझे पता चली तो ये जो ग्रुप वाले थे मुझे बता रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारा इन लोगों से दोबारा कभी कांटेक्ट हुआ। तो कहता कि जो लड़का था जो बहुत ही हवन्नक हालत में आया था हमें बताने कि वो ये ऐसा ऐसा हो गया, वो उस लड़की का शौहर था। तो मैंने कहा अच्छा, तो उससे तुम्हारी कोई बातचीत थी? तो उसने बोला हाँ मेरी थी, मैंने उससे पूछा कि भाई वो अब क्या हालात है, अब क्या हालात है। तो अभी रिसेंट अपडेट ये है कि कहता है कि अभी भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सोते में उठता हूँ तो देखता हूँ कि बेगम साहिबा मेरी उठ के बैठी हुई है अजीब हालत में, तो मैं उससे पूछता हूँ कि तुम्हें क्या हो गया, तो वो फिर यही बरहुई जबान में बोलती है इसका लाल जोड़ा निकालो, मुझे इसको लेके जाना। फिर लोगों को बुलाया जाता है, इसे दम किया जाता है, फिर उतारा जाता है इसके ऊपर से वो चीज, फिर वो हटती है, फिर वो नॉर्मल होती है। वो उस चीज ने अभी तक उसका पीछा पीछा नहीं छोड़ा है, छोड़ा पीछा है। ओह उधर शिट। और ये सिलसिला शुरू हुआ उधर से ही। से ये गए टूर स्पॉट पे और वहां से ही कुछ लेके आए। मैं तो अभी सोच रहा था ये वापस आने के बाद कि हम मैं जाऊंगा जरा बलूचिस्तान की साइड पे, और आपने तो मुझे पूरा एक महाज दे दिया। सही है, चले डॉक्टर साहब, मैं तो कह रहा हूँ हम दोनों चलते हैं और जाके ना नाइट आउट करते हैं ये बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान की ये मौला चुटुक और ये उड़मारा या इस तरह की जगहों पे जाके एक एपिसोड करते हैं। और बारह तो चलते हैं, वो तो बड़ी साफ अच्छी ठंडी वो जगह, तो मेरे हाँ, वो तो ख्याल फैमिली रिजॉर्ट है वो तो अब। उधर तो हमारा आराम से बैठ के आराम से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, जगह भी है। ये थोड़ा मौला चुटुक वगैरह तो मैदान है, उधर तो कुछ है ही नहीं है, उधर हम कैंप में थोड़ा सा मुश्किल होगी। लेकिन कुछ ऐसा करते हैं, चलते हैं। वो नहीं होता वो क्या कहते हैं उसको, चलते हैं, हाँ फेरी मेडोज। ठंडा ठंडा एनवायरनमेंट होगा, एटलीस्ट आराम से रात गुजर जाएगी। डन हो गया, गाड़ी में चलते हैं। मैं तो हाँ कहता हाँ हूँ बाय रोड एक ट्रिप करते हैं और निकलते हैं फेरी मेडोज की। वो जो कहानी मशहूर है ना, 80 बच्चे 40 बच्चे, वो वो कहानी तो मशहूर है कोई उधर की। किताब है ना, वो 40 बच्चों कोई वाली, चलता है, हाँ वो तो मेरे ख्याल वहां की है, बलूचिस्तान की है। कोहे क्या नाम था उसका, नाम जगह का नाम भूल गया। खैर अभी नाम याद नहीं आ रहा, आएगा तो याद करेंगे।
चलते हैं डॉक्टर साहब, मैं तो कह रहा हूँ ऐसी जगहों का ना एक बनाते हैं, पांच छह जगहें अपनी निकाल के रखते हैं जो लोगों ने सिर्फ सुनी है, एक्सप्लोर नहीं की। जैसे रानी फोर्ट है, उसको भी एक्सप्लोर करते हैं रात के, और ये सारे रात में जलेंगे। रानी कोट का तो ये कहते हैं कि वहां इश्यूज हैं, जिस तरह गोरख हिल है उधर तो प्रॉब्लम रहती है, उधर आपके साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता जरूर है। हाँ मुझे पता है मेरे, लेकिन ये सारी चीजें होता ही है, मसला ये होता है कि ये सारी ये जितनी भी चीजें ये कैमरे में नहीं आती, मेरा ये मानना है। देखिए कैमरे में इसलिए नहीं आती, हमारी आंखें उनको देख नहीं सकती, कैमरा हमारी आंखों की कॉपी बना करता है, हमारा फंक्शनलिटी उसकी सेम। अब जो चीज हमारी आंखें पिकअप नहीं करती वो हमें नजर इसलिए आती है जब वो हमें दिखाना चाहे तब। वो एक फिजिकल फॉर्म लेते हैं तो हमें नजर आता है, तो कैमरा भी वही चीज उठा सकता है जो उसको फिजिकल फॉर्म में नजर आता है। अगली चीज हमें एक एनर्जी है वो हमें दिख रही है, हम कैसे कैमरे में उसको रेप्लिकेट करें। बट डन हो गया मेरी तरफ से तो ये कंफर्म है, आपका ऑफिस के मसले, हम तो फारिग आदमी है, हम तो ये तो बैग उठाए और निकल गए। आ गई है गर्मियों में, हम तुम्हारे पास दो लोकेशन है, एक और मारा है क्योंकि हवा वहा अच्छी होती है रात में, और दूसरा ये फेरी मेडोज होगा ठंडा ठंडा। तो भाई हमारे जितने दोस्त लोग हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, ये खुद से इस्लामाबाद पार्टी हो गई जैसे मिसाल है, वो भाई बनाए बोले कि जी फलां तारीख को आप आ जाए, हम इतने लोग जमा आपके साथ हैं। मिसाल है कि एक गाड़ी जाती है 20 आदमियों की, जो कोस्टर या जो भी जाता है, मैं तो गया नहीं, मुझे अंदाजा नहीं, तो हम आ जाएंगे। चले थैंक यू डॉक्टर साहब, आज आपने बड़ा अपना कीमती टाइम दिया हमें, अब हमेशा आप दे देते हैं, हम बुलाते हैं और आप आ जाते हैं, ये आपका बड़ापन है। थैंक यू सो मच, हम आ जाएंगे। वह अभी जरा हम वो वाली पार्टी करते हैं ना जो जो हमें ईद के बाद अब करनी है, वाली यहाँ स्टूडियो वाली पार्टी करेंगे। सही है, थैंक यू डॉक्टर साहब, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, और सारे लिसनर्स की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट गाइज, गाइज उम्मीद करते हैं गाइज आप लोगों को आज की स्ट्रीम पसंद आई होगी। डॉक्टर साहब बेचारे, मुझे ये लग रहा था कि वो आधे पौने घंटे के लिए आए हैं और उसके बाद वो चले जाएंगे, लेकिन हम तो आपको पता है फ्री हो जाते हैं, फौरन ही फ्री हो गए। उन्होंने बेचारे ने ये छोटी सी उंगली पकड़ाई थी, हम यहाँ कंधे तक पहुँच गए उनके। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरा जो ना मसला ये हो रहा है कि मेरा कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ज़रा मैं अपने इंटरनेट को सही करूँ। इस दौरान आप लोग, एक ये हॉरर टेप है जो हमारे पास मौजूद है, जो कि हमें किसने भेजी है, क्या है हमें नहीं मालूम, इसको आप लोग सुनिए। इस दौरान जो ना मैं ज़रा अपने इंटरनेट को सही करूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि मेरी आवाज़ अभी सही तरीके से पहुँच भी रही है कि नहीं पहुँच रही। ज़रा मुझे चैट पर लोग बता दें कि सही तरीके से पहुँच रही है। और दूसरा ये कि अभी हम 10-20 मिनट और स्ट्रीम करेंगे, तो आप लोग अपनी ईमेल्स अगर भेजना चाहते हैं तो वो भी भेज सकते हैं, ज्वाइन इन करना चाहते तो ज्वाइन इन भी कर सकते हैं। सादी आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द सुपर चैट। जितने भी लोग अभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर अभी तक पता नहीं क्यों नहीं लाइक किया वीडियो को, जितने भी लोग हैं भाई लाइक करो यार। और जो लोग हमारा प्रोग्राम, हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, सुपर चैट, सुपर स्टिकर, सुपर थैंक्स के ज़रिए सपोर्ट कर सकते हैं। जो पाकिस्तानी ऑडियंस है वो हमें अगर सपोर्ट करना चाहती है तो वो ईजी पैसा और जैस कैश पे अपनी सपोर्ट भेज सकती है 03111577846 पे। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट हॉरर टेप की तरफ, और इस दौरान ज़रा हम अपने इंटरनेट को सही करते हैं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई, मैं तहरीन बोल रही हूँ कराची से। आज मुझे अपने चचा ससुर का एक वाक्या आपसे शेयर करना था, जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे जो है सुनाया तो खैर 2-3 साल पहले था, पर वही होता है कि मौका नहीं मिल पा रहा था आपसे शेयर करने का। एक दफ़ा आपको ईमेल पे भी भेजा था मैंने, पर शायद आपको वो मुझे आपको रिसीव नहीं हुआ वो। खैर मैं कहानी शुरू करती हूँ कि मेरे चचा ससुर जो मलीर, पुराना मलीर जो इलाका था,
السلام علیکم مناج بھائی، میں تحریم بول رہی ہوں کراچی سے. آج مجھے اپنے چچا سسر کا ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا تھا، جو کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے جو ہے سنایا تھا. سنایا تو خیر 2-3 سال پہلے تھا، پر وہی ہوتا ہے کہ موقع نہیں مل پا رہا تھا آپ سے شیئر کرنے کا. ایک دفعہ آپ کو ای میل پہ بھی بھیجا تھا میں نے، پر شاید آپ کو وہ مجھے آپ کو ریسیو نہیں ہوا. وہ خیر میں کہانی شروع کرتی ہوں کہ میرے چچا سسر جو ملیر، پرانا ملیر جو علاقہ تھا، تو ادھر رہتے تھے. سارا ان کا ننیال ادیال سب ملیر کا ہی ہے. تو یہ ہے بات 30 سے 35 سال پرانی. تو میرے جو چچا سسر ہیں وہ پی آئی اے میں ہوتے تھے، تو ان کی نائٹ شفٹ تھی. تو رات کو وہاں سے 1 سے 2 بجے کے قریب جو ہے وہ گھر واپس آئے، تو اپنے گھر کے باہر ہی ان کے جیسے وہ بنا ہوا تھا چبوترا ٹائپ کا، جو اس پہ لائٹ لگی ہوتی ہے، تو اس پہ جا کے بیٹھ گئے کہ پہلے گھر اندر جانے سے پہلے میں ایک سگریٹ پی لوں. تو وہاں بیٹھ گئے، تو انہوں نے جو ہے کہ پوری گلی میں سناٹا تھا، کوئی بندہ نہیں تھا. ظاہر 30 سے 35 سال پرانی بات ہے، تو ظاہر اس وقت میں تو لوگ اتنا باہر کھڑے بھی نہیں ہوتے تھے گلی محلوں میں. تو خیر، تو کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ آ کے بیٹھا ہوں چبوترے پہ اور میں نے سگریٹ جلائی ہے. تو مجھے دور سے اتنا پہلے چھن 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 کی آواز آئی، کہ صرف پائل کی ہو یا کسی گھنگھرو وغیرہ کی. خیر میں نے اگنور کر دیا، جب ان کے میرے ہسبینڈ کے چچا نے، تو کہہ رہے پھر بہت قریب سے آنے لگ گئی. کہہ رہے پھر ایک دم سے میرے برابر میں سے مجھے جیسے ود ان اے سیکنڈ وہ برابر میں سے مجھے آواز آئی اپنے پائل کی. تو میں تھوڑا سا پیچھے دیکھ کے بغیر میں الرٹ ہو گیا. تو پھر اس نے عورت کی آواز میں اس نے پوچھا کہ یاسین بابو ٹائم کیا ہوا ہے؟ تو کہہ رہا ہے میں تو چونک، مطلب میرے چچا سسر جو ہے چونک گئے کہ جو ہے وہ اس کو میرا نام کیسے پتا، اور گلی میں تو سب کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ چونک گئے، تو انہوں نے ذرا سی بس گردن ہلکے سے نیچے جھکا کے دیکھی، تو اس کے پیروں پہ ان کی نظر پڑی جو کہ بہت بھیانک تھے، اور ان کے رونگتے کھڑے ہو گئے، پسینے چھٹنے شروع ہو گئے. تو انہوں نے اسی وقت جو سگریٹ ان کے ہاتھوں میں تھی وہ انہوں نے پیچھے دیکھے بغیر بس اندازن پیچھے پھینک دی. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت خطرناک ڈرونی چیخنے کی آواز آئی، اور وہ جو بھی مخلوق تھی وہ گلی کے کونے پہ ود ان اے سیکنڈ وہ اتنی تیز اسپیڈ میں چیختی ہوئی چلاتی ہوئی گلی کے کونے تک پہنچ گئی، اور انہوں نے کہا چھوڑوں گی نہیں، چھوڑوں گی نہیں. خیر پھر جو ہے میرے چچا سسر جو ہے وہ گھر کے اندر آ گئے. تو پھر ان کو خیر بھائی جو ایک ڈر اور خوف سے ہوتا ہے، تھوڑا بہت ان کی طبیعت ڈاؤن رہی 1-2 دن. تو خیر اب تو وہ دنیا میں بھی نہیں ہے، میری شادی کو 7 سال ہو گئے. تو میری شادی سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ان کی وائف کی بھی. تو خیر اللہ ان کو جنت نصیب کرے. تو ابھی بھی ان کے ریلیٹیوس وہاں اس میں رہتے ہیں، اس ایریا میں، اسی گلی میں ان کے کافی رشتہ دار رہتے ہیں. تو ہوتا ہے بس کسی کے ساتھ نہ کسی کو ایسے کبھی اور کبھی کسی کے ذریعے یہ سب سنا نہیں نا، لیکن ملیر کے آپ کو بہت سے کالرز آتے ہیں جو اندرون میں ملیر رہتے ہیں، لیاقت مارکیٹ مشہور ہے، تو اس طرف کا یہ میں بتا رہی ہوں علاقے کا تک. شکریہ. اوکے تھینک یو سو مچ. اینڈ بات تو درست ہے کہ ملیر سے ہمارے پاس بہت سارے لوگوں کی کالز آتی ہیں، اور ایک زمانے میں ملیر اصل میں بڑا اوپن ایریا ہوتا تھا. ابھی ریسنٹ ٹائمز میں ہی وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہوئی، ریسنٹ ٹائمز میں مراد یہ کہ 20-25 سالوں میں، ورنہ
بڑے بڑے ابھی بھی وہاں پہ آپ کو کھیت ملتے ہیں، تو جہاں اس طرح کی علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ اس طرح کے واقعات تو ضرور ہوتے ہیں۔ خیر جی، بڑھتے ہیں اپنی ایک اور ای میل کی طرف جو کہ ہمیں بھیجی گئی ہے اور اس کو ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم منہاج، میرا نام حارث ہے اور میں کراچی سے ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور سب سے پہلے آپ کو اور تمام سننے والوں کو عید مبارک۔ اب بڑھتا ہوں اپنے واقعے کی طرف۔ آج کا جو واقعہ ہے میرا ہانٹڈ ورک پلیس کے حوالے سے، تو منہاج یہ بات ہے 2020 لاک ڈاؤن کی۔ میں ایک امتیاز کے آفس میں جاب کرتا تھا اور اب تک وہیں جاب کرتا ہوں، لیکن اب میرا ٹرانسفر سٹور سپروائزر پر ہو گیا ہے۔ خیر لوکیشن بتانا ٹھیک نہیں سمجھتا، اس لیے مینشن نہیں کر رہا۔ مناج آپ کو اندازہ ہوگا کہ لاک ڈاؤن میں ہر کسی کی لائف بہت ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ لاک ڈاؤن لگتے ہی ٹائمنگ بھی سب کی چینج ہو گئی تھی، بہت شارٹ ٹائم ہوتا تھا۔ میں آفس میں ایز اے پرچیزر تھا، تو میرا کام ختم بہت لیٹ ہوتا تھا، اور میرے ساتھ چار لڑکے اور بھی ہوتے تھے جن میں اکاؤنٹنٹ، ایچ آر کے، باقی سب آف، جن کی باقی اور باقی سب لوگوں کی آف ہو جاتی تھی۔ خیر ایک دن ایسا ہوا، کام کرتے کرتے رات کے 12 بج گئے، کیونکہ لاک ڈاؤن میں پرچیزنگ کا لوڈ بہت زیادہ ہو چکا تھا، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ فوڈ آئٹمس سیل ہو رہی تھی۔ خیر ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہم کام کرتے کرتے میرا دھیان سامنے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں گیا جہاں سب جا چکے تھے، لیکن مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ وہاں کوئی ہے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یہ کراکری ڈپارٹمنٹ میں کوئی ہے کیا؟ تو اس نے کہا کہ پاگل ہو گئے ہو، سب جا چکے ہیں، 4 سے 5 گھنٹے ہو چکے ہیں سب کو گئے ہوئے۔ تو میں نے کہا اچھا، میں نے اگنور کیا اور اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اسی ڈپارٹمنٹ سے کوئی چیز گرنے کی آواز آتی ہے، تو میں بولتا ہوں دوست کو کہ دیکھو میں بول رہا ہوں وہاں کوئی ہے، پر وہ پھر بھی نہیں مان رہا تھا۔ بولا گر گئی ہوگی کوئی چیز۔ مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا، اب مجھ سے کام نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ 2 بار مجھے فیل ہو چکا تھا کہ وہاں پہ کوئی ہے۔ جب سب جا چکے ہیں تو وہاں کون ہے؟ میں پھر ایک جگہ پر بیٹھ گیا کہ یہ لوگوں کا کام ختم ہو اور ہم آفس سے نکلیں باہر۔ اتنے میں آفس کے سارے پی ٹی سی ایل فون ایک ساتھ بجنا شروع ہوئے، تو ہم چاروں لڑکوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھنا شروع کر دی کہ یہ کیا ہوا، ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا تھا۔ پھر ہم سب اپنا کام وغیرہ ایسے ہی چھوڑ کر آفس سے باہر نکل گئے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں آج بھی کوئی ایسی مخلوق موجود ہے جو اپنے ہونے کا احساس ہمیشہ دلاتی ہے۔ اوکے چلیں، تھینک یو سو مچ حارث، بہت بہت شکریہ آپ کی اس ای میل کا۔ چلیں جی بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کالر کی طرف۔ سلمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوئے، ہوپفلی موجود ہیں۔ السلام علیکم سلمان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سلمان صاحب، کیسے ہیں؟ عید مبارک آپ کو۔ آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ آپ کو آواز پھر صحیح آ رہی ہے؟ جی جی پرفیکٹ آ رہی ہے۔ کیا واقعہ ہے سر آج؟ ارے مزاج بھائی، ایک تو بہت معذرت کہ میں آ نہیں پا رہا ہوں آپ کی سٹریمز پہ، میں سنتا ہوں بعد میں، کیونکہ اب تھوڑا میرا روٹین بدل گیا ہے، میں جلدی سو جاتا ہوں۔ اچھا نہیں، یہ بیسٹ ہے بھائی، صحت کم فرسٹ۔ اوکے ہاں، صحت آپ کو پتا ہے تھوڑی میری صحیح نہیں ہے، تو خیر۔ مگر ابھی ایک تو یہ میٹ اپ رکھنا ہے، صحیح، میں کر دوں گا ارینج۔ ٹھیک ہے، اچھا واقعہ بھی سناؤں گا کہ آپ کے لسنرز کو سننا ہے۔ یہ بتاؤں گا، یہ ہوا ہے ایرو کلب میں، صحیح، یہ گلشن میں، آپ کو بھی پتا ہوگا
ये एरो क्लब था जहां पहले ये ट्रेनिंग के जहाज वहाज उड़ा करते थे। मिनाज जी जी बताइए जी। नहीं ये आपको है पता? जी जी बताए। ये बात है 90s की। उसके बाद ये जहाज वहाज तोड़ने खत्म हो गए, एरो क्लब पे शादी फिर हॉल बन गया। शादियां होने लगी। एक शादी थी, ये जिसने मुझे सुनाया है, नाम उसका नहीं बताऊंगा, ये ARY पे प्रोड्यूसर है। सही। उसके दोस्त की शादी थी। अच्छा, वहां ये गए, खैर वहां ये अपना एक खूबसूरत सी हसीनाई थी, शादी में पूरा कर रही थी पार्टिसिपेट, उनकी तस्वीरें भी खींची गई, तस्वीरों में भी वो आई। उसके बाद जब ये शादी खत्म हो गई, तस्वीरें आई। अच्छा, 90s में ये तो नहीं था, मोबाइल वोबाइल इतना नहीं होता था, ये अपना वही जो फिल्म, पीटीसीएल होता हाँ नहीं फिल्म जो होती है ना शादी पे, था। वो एस्टेब्लिश होके आती थी। तो उन्होंने फिल्म में भी पिक्चर्स में भी वो आई। अच्छा, अब उसके बाद, अच्छा वो दूल्हा वाले समझ रहे हैं, ये दुल्हन वालों की तरफ से हैं, दुल्हन वाले समझ रहे हैं दूल्हा वालों की तरफ से हैं। अब जब ये पिक्चर्स आई, उसमें वो आएंगी थी, तो ये रहते हैं अजीजाबाद में। सही। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि बाहर इनके घर के बाहर जो है वो पायल की आवाज है और वो ये कहे मेरी तस्वीर वापस कर दो। ठीक है। अब ये के समझ में नहीं आए ये क्या हो रहा है, तस्वीर वापस कर दो, पायल की आवाज। ये गए मौलाना साहब के पास। मौलाना साहब ने कहा कि कोई तस्वीर खींची है, हाँ शादी हुई थी उसमें तस्वीरें खींची थी, इसमें उन्होंने कहा वो मोहतरमा की तस्वीर घर के बाहर रख दो। वो कहते हैं कि घर के बाहर हमने रखी तस्वीर, रात को रखी, सुबह वो चीज नहीं थी, उसके बाद से नहीं हुआ है। अब उसके कोई बाद साल भर हो गया है, ये नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। तस्वीर बाहर रख दी फिर। तस्वीर मिराज बाहर रख दी उन्होंने, सुबह तस्वीर नहीं मिली, उसके बाद से वो आवाज आना और पायल की आवाज आना खत्म हो गई है। अच्छा, और ये ARY के प्रोड्यूसर ने जिनके साथ ये वाकया पेश आया, जी उनके दोस्त के साथ, उन्होंने उन मुझे दोस्त। सुना है, ओके उनके दोस्त की शादी में ये हुआ है। ओके चले। थैंक यू सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा।
और जरा अपनी सेहत का ख्याल रखें, आपकी सेहत बड़ी डाउन रहती है, बड़ी इम्पोर्टेंट है आपकी सेहत। नहीं है तो डाउन, अब खैर ये, मगर मोहब्बत आपसे बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा, थैंक यू। देखें दो लोगों को मानता हूँ, एक तो ये वो क्या है सलीम सजाद, वो पायनियर है इसमें, और एक आप हैं। पायनियर वायनियर छोड़े, हम पायनियर नहीं है, हम सेकंड हैंड ही अच्छे। नहीं आप हैं, एक तो आपने कर दिया मेंबर्स ओनली का मोड छड़ा देते हैं। वो सही रहता है ना, चैट नहीं तो वो जरा मुझे बताए मेंबर कैसे बनूं। अब वो तो मैं 50,000 दफा बता चुका हूँ इसका, यहाँ पे पाकिस्तानियों पाकिस्तानियों को वो मौका नहीं मिल रहा मेंबरशिप हासिल करने, कोई तो समझ नहीं आता है ना। ना वो अब बेचारे पाकिस्तानियों की गलती थोड़ी है, वो हमारे रीजन को अलाउ नहीं किया भाई यूट्यूब ने। खैर थैंक यू सलमान साहब, बाकी सब भी अभी इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, बहुत देर से बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, रमीज खान अगर आपको आवाज आ रही है, मुबशर आप भी हमारे साथ मौजूद है आई एम श्योर, बल्कि रमीज या मुबशर आप दोनों में से जो भी मौजूद है अपना माइक जरा ऑन ऑफ करे ताकि फिर हम आपको स्ट्रीम पे शामिल कर लें। मुबशर ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम मुबशर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत टाइम बाद सर आपसे बात करने का मौका मिला, कीपैड के जमाने से सोचता हूं आप बहुत देर से वेट कर रहे थे। जी जी सर, थैंक यू सो मच सर। मेरा एक वाक्या है छोटा सा, ये मेरे बचपन का वाक्या है। पहले ये तो बताएं किधर से ज्वाइन किया आपने? आई लिव इन कराची सर। अच्छा कराची सर, बताइए औरंगी टाउन। जी तो ये हमारे बचपन का वाक्या है और बहुत पॉपुलर हुआ था हमारे मोहल्ले में भी ये वाक्या। हुआ कुछ ये था कि वन नाइट हमारे घर वालों को आवाज आती कि सहन में कुछ भारी चीज गिरी धड़ करके, सब जाके देखते हैं कुछ नहीं, इग्नोर करते थे। सेकंड डे फिर ये होता है तो सबको फिर एहसास होने लगता है कि कुछ है, क्योंकि हमारी फैमिली इसमें शुरू से बिलीव करती थी। फिर थर्ड टाइम ये होने लगा कि डाइनिंग रूम से आवाज़ें आने लगी, और डाइनिंग रूम के साथ ही पुप्पी का रूम था। तो जब पता करवाया तो पता चला कि हमारी पुप्पी ना लेट नाइट तक कुरान पढ़ती थी। तो हुआ कुछ यूँ कि पढ़ते पढ़ते उन्होंने कहा, जिनसे पता करवाया था उन्होंने कहा, पढ़ते पढ़ते इनको कुछ नींद आ गई थी तो उन्होंने कुछ अल्फाज गलत पढ़ दिए जिनसे ये सब होने लगा। तो खैर करके हम इनका काट करवाने गए, और ये गए थे हम सदर की तरफ, एक बुजुर्ग बैठते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ने वो। तो जब उनके पास गए, मैं मेरे वाले साहब और मेरे कज़न, के इस चीज़ का खात्मा करवाएं कि ये ख़त्म नहीं हो रही थी। रात में हमेशा उस डाइनिंग रूम के कोने से आवाज़ें आती थी क्रीपी सी। तो जब उनके पास गए आंखों देखा हुआ क्या, मेरे बराबर में एक शख्स बैठा हुआ था। उस वक्त तक वो नॉर्मल था जब तक वो बुजुर्ग आए नहीं थे। वो बुजुर्ग आए हैं अपनी जगह पे बैठे, चंद मिनट गुजरे होंगे, मेरे बराबर वाला जो बंदा था वो रोने लगा, चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। जब उसको फिर उनको बुलाया गया और फिर उन्होंने उसके ऊपर कुछ पढ़ा और उन्होंने आवाज़ें बुलंद कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो बंदा अचानक से नॉर्मल हो गया। तो ये इनकाउंटर मैंने अपने सामने देखा था फर्स्ट। तो वो सदर पे बैठते हैं और आपकी पुप्पो का क्या हुआ फिर? पुप्पो का ये हुआ कि उन्होंने बताया था कि पुप्पो के साथ ये हुआ, और फिर पुप्पो को तनकीद की गई कि आप लेट नाइट तक इतना कुरान ना पढ़ा करें, जब आपको नींद आना शुरू हो तो आप कुरान बंद कर दिया करें। तो उन्होंने फिर ये काम करवा के ये आवाज़ आवाज सब ख़त्म करवा दी थी। और एक वाक्य था, ये मेरी खाला का वाक्य। तो उनका कुछ ये हुआ था कि उनका जब घर तामीर हो रहा था, तो घर तामीर हो रहा था उनका एक दीवार थी जो डाइनिंग रूम के उनके डाइनिंग रूम के साथ ही थी, वो बार बार जब तामीर होती थी गिर जाती थी। तो जब उन्होंने पता करवाया, इन शॉर्ट बता रहा हूँ, तो जब उन्होंने पता करवाया तो पता चला कि यहाँ दो जिन्नात हैं जो बुजुर्ग हैं, नमाजी परहेजगार है, तो इनके लिए आप जगह छोड़ दें। तो उन्होंने वहाँ स्टोर बना दिया, स्टोर के बाद फिर डाइनिंग रूम बना दिया। तो जब इन्होंने ये काम करवाया तो दिन ब दिन उनके हालत बेहतर होते चले गए और तरक्की होती चले गई। और फिर जब उन लोगों ने शिफ्ट किया उस घर से, तो वापसी उनके हालत वापसी डाउन होते चले गए। तो उस घर में कुछ था ऐसा। चलें बहुत बहुत शुक्रिया मुबशर,
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। चले जी, 2 घंटे 20 मिनट की स्ट्रीम हो चुकी है और उम्मीद करते हैं कि आज हमने जो है ईद का तीसरा दिन आप लोग के लिए हमने स्पेशल रखा हुआ था, क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से डॉक्टर साहब की फरमाइश कर रहे थे कि डॉक्टर सोलंगी को इनवाइट करें, डॉक्टर सोलंगी को इनवाइट करें, तो हमने आज के लिए स्पेशली आप लोग रखा हुआ था। तो उम्मीद करते हैं होपफुली आज की स्ट्रीम आप लोगों को पसंद आई होगी। जितने भी लोग अभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे सारे मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर सपोर्ट, जो हमारी ऑडियंस है, जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं या बाद में सुनते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के कॉमेंट्स का शुक्रिया, आप लोगों की जो राय होती है उसका शुक्रिया, उन लोगों का शुक्रिया नहीं जो बिला वजह बेकार के ओपिनियन दे रहे होते हैं। हाँ, मैं सच बोलता हूँ भैया, आपको बुरा लगे कोई बात नहीं, लेकिन जो ये बेकार वाली एक तो वाली मुझे वो कॉन्वर्जेशन ही मुझे बुरी लगती है हमारे यहाँ, कि किसी के कोई अगर अंग्रेजी में आके बात कर ले तो पता नहीं क्या हो जाता है, हमारे यहाँ कॉम्प्लेक्स आ जाता है, अय हाय उर्दू बोली ना उर्दू। अबे उर्दू का हाल हम पाकिस्तानियों ने कितना बुरा किया, कभी सोचा है हमने उर्दू का जो जितना बुरा हाल किया और किसी जबान का बुरा हाल नहीं किया। ख्वाब को ख्वाब बोलते हैं, और क्या था, ख्वाजा को ख्वाजा बोलते हैं, कराची को करंची बोलते हैं। हम सबकी जबान उर्दू में इतनी खराब हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है, मसले को मसला बोलते हैं, मतलब खुद की हमारी उर्दू इतनी बुरी हो चुकी है, और हम एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं कि दूसरा बंदा आके नफीस उर्दू बोलेगा। अपनी उर्दू पे ज़्यादा फोकस कर लें भाई, दूसरे की अंग्रेजी हो, उर्दू हो, पश्तो हो, फारसी हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, आपको क्या। अगर नहीं, मैं ज़रा कड़वी बात करने वाला हूँ, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो यह आपकी कम अकली है या आपके अंदर ये खामी है कि आपको एक जबान नहीं आती। सीखिए, बजाय दूसरे को ये बोलने के कि अंग्रेजी में क्यों बात कर रहे हो, उर्दू में बोलो भाई, जितनी जबानें आएंगी उतना बेहतर होगा। अरबी भी हम पढ़ते हैं ना, वो भी तो सीख ही रहे होते हैं। अगर अंग्रेजी कोई बोल रहा है तो उसमें वो ये कॉम्प्लेक्स क्यों आ जाता है हमेशा की तरह, ओ हो ये बर्गर है, अंग्रेजी बोलने वाला बर्गर है, तो फिर रहेंगे जिंदगी भर आप लोग जाहिल। क्योंकि आप माने या ना माने, जो भी कह लें आप, जितनी भी आप बातें कर लें, यूनिवर्सल लैंग्वेज अंग्रेजी ही है। अपनी जॉब की सीवी आप अंग्रेजी में लिखते हैं, उर्दू में कभी नहीं लिखते। यहां तक के ये मैसेज जो आप लोग देते हैं कि भाई वो कॉलर अंग्रेजी में बोल रही थी, उनको बोले उर्दू बोल लेती तो क्या होता, वो भी आप अंग्रेजी में ही लिख रहे होते हैं, रोमन उर्दू जिसे कहते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकले भाई, 2023 में दुनिया पता नहीं कहां जा रही है और हमारे काशिफ और चिंटू पिंटू यार ये उर्दू में नहीं बोला ना मिनाज भाई, ये इंग्लिश में बोल दिया, ये बर्गर लोग इंग्लिश में बोलते हैं यार, इसी में ही रह गए। लास्ट कॉलर को शामिल करते हैं और उसके बाद फिर हम आप लोगों से अलाप देंगे। रमीज खान, अगर आपको आवाज आ रही है और आप मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम रमीज। अभी आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है, किधर से ज्वाइन किया आपने? इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। इस्लामाबाद का मौसम कैसा हो रहा है? सर अभी तो मौसम अच्छा है, अच्छी गुजरी है, बारिश थी। वाह जबरदस्त जी सर, क्या वाक्य है? वाक्य कुछ इस तरह है कि वैसे भी सलमान भाई भी थे कॉल पे, तो उसको कॉल लग नहीं सकी। मैं सलमान भाई के साथ में ट्रैवल भी कर चुका हूँ और हमारा पे तो ये हमारे साथ कर भी चुके हैं। तो भाई आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज बहुत कट रही है, आप क्या हैंड फ्री पे हैं? नहीं हैंड फ्री पे नहीं हूं। आपकी आवाज कट कट के आ रही है, साफ नहीं आ रही। हैंड फ्री पे मैं नहीं हूं, मैं डायरेक्ट कॉल कर रहा हूं, कॉल से मोबाइल से। अच्छा, मैं एक सेकंड जरा म्यूजिक बंद करता हूं, शायद उससे बेहतर हो जाए।
جی خیر واقعے کی طرف آتے ہیں، بتائیے. اچھا میں کہتا کہ سلمان بھائی کے ساتھ ہم لوگ جا چکے ہیں پہلے بھی، ہمارا تو جو یہ بات کر رہے تھے نا چھوٹا چوٹک چھوٹا چوٹک وغیرہ مولا چوٹک کی، تو یہ واقعی اتھینٹک بات ہے. اس طرف جو ہے پہلے لوگ جو شروع میں جب یہ پوائنٹ کھلا تھا لوگ جاتے تھے اور چھوٹا چوٹک پہ کیمپنگ کرتے تھے، کیونکہ وہ خوزدار سے 6 گھنٹے کی آف روڈ ہے. دین وہاں پہ کچھ اس طرح کے معاملات شروع ہوئے تو انہوں نے پھر وہ جگہ بند کری، اور پھر مولا چوٹک جو کہ 3 گھنٹے وہاں پہ. آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی بالکل بھی رمیز، ایم سو سوری. چلیں جی سوری رمیز، آپ کی آواز بالکل کلیئر نہیں آ رہی تھی، اب آپ کل ہمیں جوائن کر لیجیے گا. تھینک یو ایوری ون، امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. کوئی بات بری لگی تو اچھی بات ہے، بری لگی آئی ایم شیور اس سے آپ کچھ سیکھ ہی لیں گے. ہاں زبان کوئی بھی ہو آنی چاہیے، اگر نہیں آتی سیکھ لیں. سیکھنے کا عمل کبھی بھی نہیں رکنا چاہیے. جس دن آپ نے سیکھنے کا عمل روک دیا اس دن آپ کی ایولیوشن ختم، آپ کا ٹاٹا بائے بائے فنش، سب ختم. جب تک یہ عمل اپنا جاری رکھیں گے آپ پروگریس کرتے رہیں گے، اور پروگریس تو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں کسی کی پروگریشن میں ٹانگ اڑانے والے ہیں؟ کہیں یہ لکھا ہے کہ انگریزی نہیں بولیں بری بات ہے، یا اردو نہیں بولیں بری بات ہے، یا سندھی نہیں بولیں بری بات ہے، یا پنجابی نہیں بولیں یا بری بات ہے؟ پتہ نہیں یار یہ کمپلیکس کب ختم ہوگا جانے کا. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے، یہ جتنے لوگ آ کے بولتے نا کہ یار فلانا نے انگلش میں بات کی، سالہ ابھی کینیڈا کا ویزا کھلے اسٹوڈنٹ ویزا یا امریکہ کا کھلے، سب سے پہلے لے کے بھاگیں گے اپنی پرچیاں اور امبیسی کے باہر کھڑے ہوں گے، ہمیں دے دو ویزا، ہمیں دے دو ویزا، ہمیں دے دو ویزا. گوری سے شادی کرنے کا ان کو سب سے زیادہ ان کا خواب ہے، خواہشات ہیں ان کی ایسی، گوری مل جائے زندگی امر ہو جائے. اس کو اپنی جو گوری بیوی ہوگی اس کو کبھی نہیں بولیں گے تو اردو بول برگر کی بچی، اس کے آگے میں کرتے رہ جائیں گے. ویل اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، عید کے 3 دن اب ہو گئے ختم، اور امید کرتے ہیں کہ بہت اچھے سے گزرے ہوں گے. کراچی میں جن جن لوگوں نے عید گزاری ان کو معلوم ہے کہ یار یہاں تو بڑی شدید گرمی تھی، آج پھر بھی تھوڑا بہتر موسم تھا، لیکن 2 دن تو ایسی گرمی تھی کہ اللہ اللہ اللہ. اور کہا جا رہا ہے کہ آگے 2-3 دن بھی بڑی شدید گرمی پڑنے والی ہے، تو خیال رکھیے گا اپنا، اپنے ماں باپ کا، اپنے بچوں کا، جانوروں کا. رمضان ختم ہو گیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ نیکی کا عمل ختم ہو گیا. یہ جو نیکی کا عمل ہم نے صرف ایک مہینے کے لیے مختصر کر دیا ہے نا، اس کو سالہ سال رکھیں تو زیادہ اچھا رہے گا. بہت بہت شکریہ، اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، ورنہ آپ کی مرضی. اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ.